गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चंस किए पास्ट ईयर्स के? कोई दिक्कत आई? रोहित नहीं किए? आप लोगों ने किए? कोई दिक्कत आ रही है? बिफोर आई स्टार्ट, एक छोटा सा इशू करते हैं पहले। एक जनरल बात, एक एनआर अगर इंडिया से गुड्स परचेज करके बाहर एक्सपोर्ट कर देता है, एक दुबई का बंदा है, इंडिया से गुड्स परचेज करके एक्सपोर्ट कर देता है, यानी इंडिया में नहीं बेच रहा, तो क्या उसकी इनकम इंडिया में एक्रुअलाइज मानी जाएगी? नहीं मानी जाती। दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट वीक करेंगे हम बिजनेस कनेक्शन, पेज 280। एक छोटा सा पॉइंट है बस, देन विल कम टू द रूटीन व्हाट यू आर डूइंग लास्ट टाइम। पेज 280 पर लॉ कहता है सेक्शन 911 कि अगर एनआर का कोई बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में, एनआर का कोई बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में, उस बिजनेस कनेक्शन से कोई इनकम आती है, वो इंडिया में डीम टू एक्रुअलाइज मानी जाएगी। फिर एक्सप्लेनेशन है जो बताती है कि किन केसेस में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाए। नेक्स्ट पेज पर देखिए, क्लॉज बी, यानी पेज 281 क्लॉज बी, इन केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट नो इनकम शैल बी डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया टू हिम थ्रू और फ्रॉम ऑपरेशंस विच आर कन्फाइंड ओनली टू परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। यानी इंडिया से गुड्स परचेज करके एक्सपोर्ट कर रहा है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, कोई इनकम नहीं मानी जाएगी। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक यह है कि पहले अगर वो अपनी कंट्री में गुड्स इंपोर्ट करता इंडिया से तो क्या इनकम इंडिया में मानी जाती? नहीं। अब वो क्या कर रहा है? इंडिया से गुड्स परचेज करके जापान में बेच रहा है, तो एक तरह से पहले दुबई में बैठा हुआ है, दुबई में पहले गुड्स मंगाता इंडिया से, फिर दुबई से जापान बेचता, डबल फ्रेट लग जाता। एंड देयरफॉर लॉ मेकर सेज कि इसको हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे और इसलिए इनकम डीम टू एक्रुअलाइज इंडिया नहीं मानी जाएगी। आप कहेंगे मैंने आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्यों ले लिया? ये इसलिए ले लिया क्योंकि आपने लास्ट टाइम एक क्वेरी नहीं पूछी। एक मिनट, चंद्र सभी आता हूं मैं। लास्ट टाइम पेज 95 पर सेक्शन 48A करवा रहा था आपको। एनी इनकम, सेक्शन 10 इज एग्जेम्पशन, एनी इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग टू अ फॉरेन कंपनी, किस अकाउंट पर? ऑन अकाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल इन अ फैसिलिटी इन इंडिया एंड सेल ऑफ क्रूड देयर फ्रॉम टू एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट क्यों नहीं लिखा हुआ? वो तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है सेक्शन 9 में। ये तो उसका अपना ही तेल है ना, फॉरेन कंपनी का अपना ही क्रूड है। तो अगर हम मान भी ले कि इंडिया से परचेज करके एक्सपोर्ट कर रही है एनआर को, वो तो 9-1 में वैसे एग्जेम्प्ट है। एंड देयरफॉर अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में क्रूड ऑयल स्टोर करती है और फिर इंडियन कंपनी को बेच देती है, वो तो इंकम डीम टू एक्रुअलाइज इन इंडिया मानी जाएगी, बट दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1048। क्लियर? 1048A में एग्जेम्प्शन है कि अगर फॉरेन कंपनी क्रूड स्टोर कर रही है और फिर बेच रही है। अब क्योंकि यहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व है, अब इन फॉरेन कंपनीज ने कहा ऐसा भी तो होगा
सपोज हमारा 5 साल का एग्रीमेंट है, गवर्नमेंट के साथ 5 साल का एग्रीमेंट है कि 5 साल हम स्टोरेज करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। जब हम छोड़ के जाएंगे इंडिया, तब भी तो वहां पर तेल बचा होगा हमारा, उसे बेचेंगे हम तो आप टैक्स लगा देंगे, फिर वो यहां कवर नहीं हो रहा। यहां तो सिर्फ क्या कवर हो रहा है, स्टोरेज एंड सेल। एंड देयरफॉर इन फॉरेन कंपनीज की हर बात मानी गई, सेक्शन 1048 बी लाया गया। सुनिए प्लीज, इसमें लिखा गया कि जो हमने 1048 ए में एग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट अगर एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद कुछ क्रूड बच जाता है, उस लेफ्ट ओवर को सेल करती है फॉरेन कंपनी, तो इनकम एग्जेम्प्ट हो गया। जब ये एक्ट बन गया, फॉरनर्स ने कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाए, आप तो एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, ऐसा भी तो होता है कि दोनों में से किसी ने डिफॉल्ट किया, एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेशन पर जो हमारे पास ऑयल बचा है हम वापस थोड़ी लेके जाएंगे, उसे बेच के जाएंगे, वो इनकम भी एग्जाम करिए। एंड देयरफॉर सेक्शन 1048 बी जो लाया गया था फाइनेंस एक्ट 17 से, फाइनेंस एक्ट 18 से अमेंड किया गया, उसमें लिखा कि अगर एग्रीमेंट खत्म होने पर या फिर टर्मिनेशन पर जो लेफ्ट ओवर क्रूड है उसे बेचेंगे, तो देयर बी नो द इनकम विल बी एग्जेम्प्ट। सेक्शन 1048 बी सेल ऑफ लेफ्ट ओवर स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एनी इनकम एक्रूइंग अराइजिंग टू द फॉरेन कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ लेफ्ट ओवर स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल इफ एनी फ्रॉम द फैसिलिटी इन इंडिया आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द एग्रीमेंट और द अरेंजमेंट रेफर टू इन सेक्शन 1048 ए ऑफ फाइनेंस एक्ट 18 से अमेंडमेंट आई और ऑन टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट अरेंजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स देयर टू शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। देखिए मैंने बताया था सेक्शन 1048 तो था प्रिक्योरमेंट के लिए कि बाहर से हम तेल खरीदेंगे, बट पेमेंट फॉरेन कंपनी इंडिया में आके लेगी ताकि हमारा फॉरेक्स रिस्क खत्म हो जाए। तो देखिए जो मैं लंबे चौड़े मेमोरेंडम आपको देता हूं, इसका रीजन यही होता है, क्लियर। और मोदी साहब की मूव 100% सक्सेस हो गई है, मोदी की मूव 100% सक्सेस हो गई है। आज यूएई का पूरा ये जो स्टॉकिंग है वो सारी इंडिया में ही हो रही है और इंडिया में ह्यूज स्टोरेज फैसिलिटीज क्रिएट हो गई हैं और अल्टीमेटली इंडिया विल बी द विनर इन द लॉन्ग टर्म। अब देखिए और क्या बातें इनके सामने आएंगी। अब ये स्टोरेज फैसिलिटी है, आई थिंक राजस्थान में बनी है, ये राजस्थान में बनी है ये। अब इसमें से ऑयल स्टोर होता रहेगा, सेल होता रहेगा, सेल इंडियन को भी होगा इनकम एग्जेम्प्ट, बाहर सेल होगा सेक्शन 91 में बिजनेस कनेक्शन नहीं है। अब क्या होगा कि ऑयल यूएई से हर साल आएगा, और ऐसा थोड़ी है कि बॉटल्स में भर के आएगा, बॉटल्स में भर के थोड़ी है कि बॉटल आई यहां पर खाली कर दी, ये तो टैंकर्स में आएगा, शिप्स में, और फिर उन टैंकर्स को यहां लाना, फैसिलिटी में रिफिल करना इनको, दैट्स अ वेरी हाईली टेक्निकल जॉब, हाईली टेक्निकल जॉब है। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, दिस इज अ होली ओन सब्सिडी ऑफ
Oil Industry Development Board under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. ये सारा काम करेगी रिफिलिंग का, ये सारा काम करेगी किसका? रिफिलिंग का. इस कंपनी को इनकम अराइज होगी नॉट ओनली ट्रांसपोर्टेशन, रिफिलिंग से मेन इनकम होगी, क्योंकि जो यूएई कंपनी है अपना वन गैलन ऑयल दे रही है, उसको सी पोर्ट से लाकर यहां पर रिफिल करना इज अ हाईली टेक्निकल जॉब. उसके लिए कंपनी चार्ज करेगी और इस कंपनी की इनकम इस एक्टिविटी से एग्जेम कर दी गई. यह है फाइनेंस एक्ट 20. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड 1048, 48A, 48B, 48C. एग्जेम्पशन ऑन इनकम अराइजिंग टू इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ऑन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द क्रूड ऑयल. एनी इनकम accruing अराइजिंग टू द इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड बींग होली ऑन सब्सिडी ऑफ दिस एज अ रिजल्ट ऑफ अरेंजमेंट फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ क्रूड ऑयल stored in the storage facility in persons of directions of the central government in this behalf will be exempt from tax. However, ye exemption tab milegi jab jitna crude nikala gaya kis mein se, storage mein se, utna refill kiya jata hai within 3 years from the end of the financial year in which the crude was taken out. जैसे कि 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 20 तक 3 गैलन ऑयल निकाला गया स्टोरेज फैसिलिटी से बेचने के लिए. आप इसके 3 ईयर्स यानी 31 मार्च 23 तक 3 गैलन रिफिल होना चाहिए, provided that nothing contained in this clause shall apply to an arrangement if the crude oil is not replenished in the storage facility within 3 years from the end of the financial year in which the crude was removed from the storage facility for the first time. Clear hai? Refill. अगर आपने इसके पास से क्वेश्चंस किए हो, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा page 102 पर question 7 है. ये कंसेप्ट मैं आपको आगे कराऊंगा paper 6 में, बट बताता हूं आपको क्या होता है कि एओ के पास पावर होती है कि सेक्शन 163 में ही कैन अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया एज एजेंट ऑफ द नॉन रेजिडेंट. नॉन रेजिडेंट पे असेसमेंट करना मुश्किल होता है, तो 163 में एओ जो है ही कैन अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया एज द एजेंट ऑफ द नॉन रेजिडेंट और उस पर असेसमेंट करेगा फॉर नॉन रेजिडेंट. सो 163 कहता है कि आपको जो एजेंट अपॉइंट करेंगे उसे अपॉइंट करने से पहले सुनने का मौका देंगे, और एओ 163 में ऑर्डर पास करके आपको एजेंट अपॉइंट करता है. यहां पूछ रहे हैं हु मे बी रिगार्डेड एज एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट. सो क्या किसी भी राह चलते को अपॉइंट कर देंगे? नो. 163 कहता है कि अगर आपका बिजनेस कनेक्शन है एनआर के साथ तो अपॉइंट कर सकते हैं, आप उसके एम्प्लॉई हैं तो अपॉइंट कर सकते हैं, आप उसके एसेट्स के ट्रस्टी इंडिया में तो आपको अपॉइंट कर सकते हैं, या आपके थ्रू इनकम जा रही है नॉन रेजिडेंट को तो एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं. सो 163 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एजेंट इन रिलेशन टू नॉन रेजिडेंट मीन्स एनी पर्सन इन इंडिया who is employed by or on behalf of the non-resident or
तो अगर आप इंप्लॉई हैं नॉन रेजिडेंट के, तो आपको एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं हु हैज बिजनेस कनेक्शन विद द नॉन रेजिडेंट. बिजनेस कनेक्शन क्या होता है हम पढ़ेंगे इस मॉड्यूल में. फ्रॉम और थ्रू होम द नॉन रेजिडेंट इज इन रिसीट ऑफ इनकम वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली. सो आप अगर इनकम पे कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट को, तो आपको एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं. हु इज द ट्रस्टी ऑफ द नॉन रेजिडेंट, या कर दीजिए ट्रस्टी ऑफ एसेट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट. ट्रस्टी ऑफ एसेट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट, तो आप वो एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं. सो एओ एजेंट अपॉइंट करने से पहले आपको सुनने का मौका देगा, फिर ऑर्डर पास करके आपको एजेंट अपॉइंट करेगा, और फिर नॉन रेजिडेंट की असेसमेंट आपके ऊपर कर देगा, आपके थ्रू कर देगा. क्वेश्चन टू सेकेंड पार्ट है, कैन ए रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस यानी एजेंट बी मेड लायबल फॉर द पेनल्टी अंडर द एक्ट. सो रिप्रेजेंटेटिव असेसी से आप सिर्फ असेसमेंट नहीं कर सकते, उसको उसका टैक्स पेनल्टी वगैरह सब ले सकते हैं. सो 162 डीम्स एवरी रिप्रेजेंटेटिव असेसी टू बी एन असेसी फॉर द पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. सो एजेंट को असेसी माना जाएगा. द प्रोविजन ब्रिंग्स इन वेरियस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग सेक्शंस एम्पावरिंग द लेविंग ऑफ पेनल्टी. आर रिप्रेजेंटेटिव असेसी इज दस लायबल नॉट ओनली फॉर द असेसमेंट ऑफ टैक्स बट ऑल्सो फॉर पेनल्टी. और बाद में एजेंट जो है नॉन रेजिडेंट से टैक्स पेनल्टी रिकवर कर लेगा, बट एट द बट लॉ के हिसाब से एजेंट जो अपॉइंट किया है उसे एनआर का टैक्स पेनल्टी वसूल कर सकते. एक क्वेश्चन आपका दो बार एग्जाम में आया, पेज 107. क्वेश्चन 12 इंपॉर्टेंट मार्क करिए. ओमेगा लिमिटेड एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑर्गेनाइज अ कंसर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्टिस्ट इन इंडिया. इन दिस कनेक्शन इट एंगेज द सर्विसेज ऑफ एन ओवरसीज एजेंट मिस्टर जॉन फ्रॉम यूके टू ब्रिंग द आर्टिस्ट इन इंडिया. तो इंडियन कंपनी इंडिया में फेस्टिवल कर रही है, आर्टिस्ट बुला रही है, और एक मिस्टर जॉन है यूके में, उसको बोला गया कि बाहर से आर्टिस्ट सेलेक्ट करके हमें इंडिया में भेज. Mr. John contacted the artist, negotiated with them for the performance in India in terms of the authority given by the company. He did not take part in the event organized in India. The company makes payment of commission of 1 lakh to Mr. John. Whether, how much tax will be deducted? Yeah, taxable in here. An overseas agent of an Indian company operates in his own country and no part of his income accrues or rises in India. His commission is remitted directly to him and is therefore not received by him or on his behalf in India. The commission paid to the non-resident agent for services rendered outside India is thus not chargeable to tax in India, since commission income for contacting and negotiating with artists by Mr. John is non-resident who remains outside India is not subject to tax in India. Consequently, there is no liability for deduction of tax. It is assumed that this money was not received by John in India but was remitted outside India. Aur kisi question mein problem hai aapko, to please uske questions kariyega. Jab tak practice nahi karenge tab tak aapka beda paar nahi hoga. इसी तरह का मुझे क्वेश्चन और याद आया, 195 में दिया शायद वो क्वेश्चन. पेज 279 पर एक क्वेश्चन दिया होगा इसी तरह का. एक्सपेंसेस की बात ही नहीं होती. अच्छा, इंडियन कंपनी को एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा. ऐसा ही एक क्वेश्चन पेज 279 पर है.
पेज 279 आर लिमिटेड पेड 5 lakh एज सेल्स कमीशन टू मिस्टर फ्रांसिस नॉन रेजिडेंट हु एक्टेड एज एजेंट फॉर बुकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम वेरियस कस्टमर्स हु आर आउटसाइड इंडिया। ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इंडियन एक्सपोर्टर्स बाहर एजेंट्स अपॉइंट करते हैं कि हमें कस्टमर्स ढूंढ के दीजिए, तो मिस्टर फ्रांसिस भी वही है, कस्टमर्स इंडिया से बाहर से ढूंढ के दे रहे हैं। असेसी हैज नॉट डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स ऑफ द कमीशन पेमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 कर लीजिए, 21। आप ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो कमीशन फ्रांसिस को पे किया आपने, इस पर टीडीएस कटना चाहिए था? नो, क्योंकि फ्रांसिस तो इंडिया से बाहर एक्ट कर रहा है, उसकी कोई इनकम इंडिया में एक्रुअराइज नहीं हो रही, एंड देयरफॉर दिस इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, एंड देयरफॉर टीडीएस नहीं कटेगा। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे सेकेंड पार्ट वो ये देखिए, डिसाइड अबाउट द डिडक्टिबिलिटी ऑफ द कमीशन पेमेंट इन द हैंड्स ऑफ द आर लिमिटेड, इट इज डिडक्टेबल। टीडीएस नहीं भी काटा तो भी डिडक्टेबल, बिकॉज टीडीएस काटने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम करते हैं चैप्टर ऑफ एडवांस रूलिंग्स, पेज 116 पर आइएगा। एडवांस रूलिंग, रूलिंग का मतलब है जजमेंट। क्या आप एडवांस में जजमेंट ले लीजिए? आप कोई ट्रांजैक्शन करने वाले हैं या कर चुके हैं और डिपार्टमेंट के सामने पेंडिंग नहीं है, वो यानी लिटिगेशन में नहीं आई है, और आपको डाउट है कि ब्यूरोक्रेटिक एओ क्या व्यू लेगा, तो आप एडवांस में जजमेंट ले सकते हैं। ये कंसेप्ट ये फॉरेन कंट्रीज से कॉपी करके लाए। फाइनेंस एक्ट 21 ने पूरा लॉ चेंज कर दिया। फाइनेंस एक्ट 21 से पहले जो जजमेंट है एडवांस रूलिंग, वो बाइंडिंग होती थी ऑन द असेसी एज वेल एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बट फाइनेंस एक्ट 21 ने कहा कि ये जो एडवांस रूलिंग है ना तो असेसी में बाइंडिंग है और ना ही डिपार्टमेंट में बाइंडिंग है, और अगर एडवांस रूलिंग्स आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप स्ट्रेट अवे अपील कर सकते हैं टू द हाई कोर्ट। ये चेंजेस आए फाइनेंस एक्ट 21 से। सो एडवांस रूलिंग मींस जजमेंट इन एडवांस। फाइनेंस एक्ट 21 से पहले एक अथॉरिटी होती थी, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जिसमें एक एक्स हाई कोर्ट जज होता था, एक सीबीडीटी मेंबर होता था और एक लॉ मिनिस्ट्री का मेंबर होता था। ये कंसेप्ट हटा दिया गया और अब इन्होंने बनाया है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। पेज 117 क्लॉज डी देखिएगा। बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग मींस बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बड़े सारे बोर्ड्स बनाएगी, बोर्ड्स फॉर एडवांस रूलिंग। 245 ओबी देखिए, पेज 117। बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर बोर्ड्स फॉर एडवांस रूलिंग्स एज मे बी नेसेसरी फॉर गिविंग एडवांस रूलिंग्स अंडर दिस चैप्टर ऑन और आफ्टर सच डेट
as the central government may notify. So board for advanced rulings banaye jayenge by central government, more than one board honge. Aur isme kaun kaun hoga board mein? The board for advanced ruling shall consist of two members. Do members honge aur board mein, each being an officer not below the rank of chief commissioner as may be nominated by the board. Yani do chief commissioner har board of advanced ruling mein honge. So advanced ruling aap le sakte, pehle ye concept sirf non residents ke liye aaye the. So advanced ruling ka concept was only for non-residents. Non-residents advance ruling le sakte the. So non-resident jo transaction kar chuka hai ya karne wala hai, kar chuka hai ya karne wala hai, us par usse tax implications par doubt hai, chahe question of law ho ya question of fact ho, दोनों पर वो एडवांस रूलिंग ले सकता है. पेज 116, रेजिडेंट. सो पहला है कि नॉन रेजिडेंट अपने लिए एडवांस रूलिंग ले सकता है जो ट्रांजैक्शन वो कर चुका है या करने वाला है ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. नंबर टू पढ़ेंगे आप, रेजिडेंट ले सकता है बट रेजिडेंट लेगा नॉन रेजिडेंट की टैक्स लाइबिलिटी के लिए. सो रेजिडेंट अगर नॉन रेजिडेंट से ट्रांजैक्शन कर रहा है, करने वाला है या कर चुका है, और उसे पता करना है कि टैक्स लाइबिलिटी ऑफ नॉन रेजिडेंट क्या होगी, नॉन रेजिडेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ पर, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर, दोनों पर रेजिडेंट एडवांस रूलिंग ले सकता है to determine the tax liability of the non-resident. देखिएगा, और इन दोनों केस में जब आप एडवांस रूलिंग मूव करेंगे, आपका केस कहीं पेंडिंग नहीं होना चाहिए. इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास, कोर्ट्स के पास कहीं भी केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए. एडवांस रूलिंग मींस डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन मतलब जजमेंट देना. By the board for advance rulings in relation to a transaction which has been undertaken, जो कर चुके हैं, or is proposed to be undertaken by a non-resident applicant, and such determination shall include the determination of any question of law, question of fact specified in the application. Number two. नंबर टू है, रेजिडेंट ले सकता है फॉर द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द नॉन रेजिडेंट उस ट्रांजैक्शन के लिए जो रेजिडेंट कर रहा है या करने वाला है विद द नॉन रेजिडेंट. अ डिटर्मिनेशन बाय द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग इन रिलेशन टू द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द नॉन रेजिडेंट अराइजिंग आउट ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच हैज बीन अंडरटेकन or proposed to be undertaken by the resident applicant with such non-resident, and such determination shall include the determination of question of law or question of fact as specified in the application. So pehle case mein NR ruling le raha hai apne liye, dusre case mein resident le raha hai for the non-resident. Dono case mein केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए आपका बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल और कोर्ट एट द टाइम यू आर मूविंग द एप्लीकेशन. टू ए इन्होंने रेजिडेंट्स के लिए एडवांस रूलिंग अलाउ कर दी, और रेजिडेंट एडवांस रूलिंग ले सकता है mm.
रेजिडेंट एडवांस ट्रेनिंग ले सकता है जो ट्रांजैक्शन वो कर चुका है उसके लिए, या ट्रांजैक्शन जो करने वाला है उसके लिए क्वेश्चन ऑफ लॉ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर, बट जो ट्रांजैक्शन है दैट्स उसकी वैल्यू शुड एक्सीड 100 करोड़, यानी रेजिडेंट सिर्फ बड़े केसेस में एडवांस ट्रेनिंग ले सकता है. अ डिटर्मिनेशन टू ए by the board for advance rulings in relation to tax liability of a resident applicant arising out of a transaction which has been undertaken or proposed to be undertaken by such applicant, and such determination shall include the determination of any question of law question of fact specific to the application. Aur abhi hum padhenge ki resident tab le sakta hai अगर ट्रांजैक्शन जो है जिनके लिए वो रूलिंग ले रहा है वो 100 करोड़ और मोर की है. अभी पढ़ते हैं थ्री में जो सरकारी कंपनी है. अच्छा 1, 2, 2A में केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए. अगर केस पेंडिंग है यानी आप लिटिगेशन में आ चुके हैं फिर तो नॉर्मल लिटिगेशन कोर्स यूज करिए. थ्री है कि सरकारी कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी वो एडवांस रूलिंग ले सकती है. ट्रांजैक्शन कितने की भी हो, चाहे 10 करोड़ की हो 5 करोड़ की हो 50 लाख की हो, बताइए सरकारी कंपनी को एडवांस रूलिंग क्यों अलाउ कर रहे हैं? बिकॉज सरकारी कंपनी मीन्स सरकार ओन करी कंपनी. डिस्प्यूट किसके बीच में है? सरकार और फाइनेंस मिनिस्ट्री. सरकार वर्सेस सरकार डिस्प्यूट है. और थ्री में आप सरकारी कंपनी एडवांस रूलिंग तभी ले सकती है जब केस उसका पेंडिंग है एओ के पास, सीआईटी पीएल्स के पास, या आईटीएटी में पेंडिंग है. कोर्ट में पेंडिंग नहीं होना चाहिए. So, सरकारी कंपनी एडवांस रूलिंग ले सकती है अगर केस उसका पेंडिंग है बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी और आईटीएटी. अ डिटर्मिनेशन और डिसीजन बाय द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इशू रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम विच इज पेंडिंग बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल. And such determination decision shall include the determination decision of question of law, question of fact relating to computation of total income specified in the application. So, three में सरकारी कंपनी advance ruling तभी ले सकती है अगर केस उसका pending हो गया है, dispute में आ गया है, before any income tax authority or appellate tribunal. Fourth देखिएगा. A determination or decision by the board for advance rulings whether an arrangement which is proposed to be undertaken. Hum padhenge GAR, General Anti-Avoidance Rules. Agar aap tax avoidance ki koshish kar rahe hai to hum dekhenge sarkar aapki agreement ko declare kar deti hai impermissible avoidance arrangement. ये हम गार में पढ़ेंगे. तो आप कोई अरेंजमेंट करना चाहते हैं यानी प्रपोज भी अंडरटेकन है और आप यह जानना चाहते हैं कि क्या यह कहीं impermissible अवॉइडेंस एग्रीमेंट ना हो जाए गार के अंदर, तो आप रूलिंग ले सकते हैं. डिटर्मिनेशन or decision by the board for advance rulings whether an arrangement which is proposed to be undertaken by a person being a resident or non-resident, don't list the resident as well as non-resident, is an impermissible avoidance arrangement or not in the chapter of GAR. So pehla hai एडवांस रूलिंग ले सकता है नॉन रेजिडेंट
अपने लिए, जो ट्रांजैक्शन वो कर चुका है, करने वाला है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। नंबर टू, रेजिडेंट ले सकता है फॉर द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द नॉन रेजिडेंट, जो अराइज होगी फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन जो रेजिडेंट कर रहा है विद द नॉन रेजिडेंट, कर चुका है या करने वाला है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों पे ले सकते हैं, और ये भी केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। टू ए, एक रेजिडेंट अपने लिए एडवांस वार्निंग ले सकता है, एक ट्रांजैक्शन जो कर चुका है वो करने वाला है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर, प्रोवाइडेड ट्रांजैक्शन की वैल्यू 100 करोड़ या उससे ऊपर होनी चाहिए। यह भी केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल और कोर्ट। थ्री, सरकारी कंपनी ले सकती है एडवांस रूलिंग ओनली इफ द केस इज पेंडिंग बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटीज और ट्रिब्यूनल। एंड फोर्थ, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट ले सकते हैं एक ट्रांजैक्शन जो वो अभी करी नहीं है, करने वाले हैं, ये जानने के लिए कि कहीं वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं है गार में, इसलिए कर सकते। क्लियर है? एप्लीकेंट, जो एप्लीकेशन देगा वो एप्लीकेंट मींस एनी पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट इन ए वन अबव। सो यहां नॉन रेजिडेंट मूव करेगा वन में, टू यहां रेजिडेंट मूव करेगा टू ए। रेजिडेंट मैंने बताया था जो ट्रांजैक्शंस कर रहा है वो 100 करोड़ या उससे ऊपर की है, जिसके लिए रूलिंग ले रहा है। देखेगा नेक्स्ट पेज पर, अ रेजिडेंट रेफर टू इन क्लॉज ए टू ए अबव एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया कि रेजिडेंट कैन मूव एप्लीकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग इन रिलेशन टू हिज टैक्स लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ वन और मोर ट्रांजेक्शन वैल्यूइंग 100 करोड़ और मोर इन टोटल विच हैव बीन अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन। थ्री में पब्लिक सेक्टर कंपनी, थ्री में पब्लिक सेक्टर कंपनी और गार के लिए कि ट्रांजेक्शन क्या नाम इम्पॉसिबल है या नहीं, ये जानने के लिए रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों मूव कर सकते हैं। क्लियर है? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मींस एप्लीकेशन मेड टू बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स अंडर सेक्शन 245Q। पेज 117, एप्लीकेशन देते हैं एडवांस रूलिंग के लिए। एन एप्लीकेंट डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग एन एडवांस रूलिंग अंडर द इनकम टैक्स एक्ट मे मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब स्टेटिंग द क्वेश्चन ऑन विच एडवांस रूलिंग इज सॉट। तो एप्लीकेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन मूव करेगा और वहां क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जिसके लिए रूलिंग ले रहा है वो मेंशन करेगा। इसके लिए आपको फीस देनी होती है। द एप्लीकेशन शैल बी क्वाड्रुप्लिकेट, चार कॉपीज, एंड शैल बी अकंपनीड बाय अ फीस ऑफ 10,000 और सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच एवर इज हायर, और ये फीस इन्होंने प्रिस्क्राइब कर दी है। एन एप्लीकेंट रेफर्ड इन वन नॉन रेजिडेंट, टू रेजिडेंट फॉर नॉन रेजिडेंट, टू ए रेजिडेंट 100 करोड़ और मोर ऑफ क्लॉज बी ऑफ 245N, तो फीस है अमाउंट ऑफ वन और मोर ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन टू और प्रपोज बी अंडरटेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एडवांस रूलिंग इस सॉर्ट, अगर 100 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही तो फीस है 2,00,000। और अगर ट्रांजैक्शंस जिसके लिए रूलिंग लेने हैं 100 करोड़ से एक्सीड कर रही है
300 करोड़ तक एक्सीड नहीं कर रही ट्रांजैक्शंस, तो फीस है 5 लाख। और अगर जो ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं 300 करोड़ से ऊपर है, देन फीस इज 10 लाख। एनी अदर एप्लीकेंट द फीस इज 10,000। आपने एप्लीकेशन दे दी, सो ये फीस याद करनी है आपको। सो जो क्या नाम सरकारी कंपनी है या फिर गार के लिए आप मूव कर रहे हैं तो फीस 10,000 है। अदर केस में फीस अगर 100 करोड़ तक की ट्रांजैक्शन है तो फीस है 2 लाख। 100 करोड़ से ऊपर 300 करोड़ तक की ट्रांजैक्शन है, फीस है 5 लाख। और अगर 300 करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शन है, फीस है 10 लाख। एन एप्लीकेंट मे विड्रॉ द एप्लीकेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। आप चाहें तो एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं, बट फीस वापस नहीं मिलेगी। आपके स्टडी मटेरियल में एक हाई कोर्ट जजमेंट है जहां हाई कोर्ट ने कहा कि लॉ कहता है कि 30 डेज में आप एप्लीकेशन वापस ले सकते हैं। यानी इसका मतलब यह निकल रहा है कि 30 डेज के बाद वापस नहीं ले सकते, बट हाई कोर्ट ने कहा कि अगर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग चाहे तो आप 30 डेज बाद भी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ MK Jain द हाई कोर्ट हेल्ड एट दो सेक्शन 245Q प्रोवाइड्स एट एप्लीकेशन मे बी विड्रॉन बाय द एप्लीकेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेशन। दिस हाउएवर विल नॉट डज नॉट प्रिक्लूड द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग फ्रॉम परमिटिंग द विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर द सेड पीरियड विद द परमिशन ऑफ बोर्ड इफ द सरकमस्टेंस ऑफ द केस सो जस्टिफाई। तो आप 30 दिन बाद भी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं अगर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग अलाउ कर देता है। और अब देखिए इसका रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि पहले रेलेवेंस होता था, एडवांस रूलिंग बाइंडिंग होती थी एसएससी और डिपार्टमेंट पर, बट अब बाइंडिंग नहीं है तो क्यों विड्रॉ करेगा एसएससी। प्रोसीजर ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन 245R। अच्छा, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग कमिश्नर्स रिपोर्ट मांगेगा। रिपोर्ट किस बारे में, कि कहीं केस पेंडिंग तो नहीं है आपका। सो 1, 2, 2A, 4 में केस अगर पेंडिंग है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग शेल कॉज अ कॉपी thereof टू बी forwarded टू द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर एंड इफ नेसेसरी कॉल अपॉन हिम टू फर्निश द रेलिवेंट records। सो एडवांस रूलिंग बोर्ड CIT प्रिंसिपल CIT को एप्लीकेशन भेजेगा और रिपोर्ट मांगेगा कि कहीं केस पेंडिंग तो नहीं है आपका, और पब्लिक सेक्टर कंपनी में रिपोर्ट मांगेगा कि पेंडिंग है, होना चाहिए, और चाहे तो आप रिकॉर्ड्स भी मंगा सकता है बोर्ड। एंड वेयर सच रिकॉर्ड्स हैव बीन कॉल्ड बाय द बोर्ड सच रिकॉर्ड शैल बी रिटर्न टू द प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर एज सून एज पॉसिबल। सो मैंने आपसे कहा केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए सिवाय इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये बात यहां लिखी हुई है पॉइंट बी में। सो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग जब आप एप्लीकेशन देंगे उसे एक्सेप्ट करेगा पहले बाय पासिंग एन ऑर्डर, बट बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता अगर केस पेंडिंग है बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी इन केसेस 1, 2, 2A and 4। अगर आप बोर्ड से कहते हैं कि हमारी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल दीजिए,
किसी एसेट के फेयर मार्केट वैल्यू निकाल दीजिए तो ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। और बोर्ड को लगता है कि आप बोर्ड को बेवकूफ बना रहे हैं, कोई टैक्स अवॉइडेंस करना चाहते हैं जिसके लिए आप रूलिंग लेना चाहते हैं तो मना कर देगा। सो पॉइंट बी में लिखा मिलेगा कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी अगर केस पेंडिंग है आपका 1, 2, 2A and 4 में बिफोर एन इनकम टैक्स अथॉरिटी ट्रिब्यूनल और कोर्ट, और पब्लिक सेक्टर कंपनी केस में इट शुड नॉट बी पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। नंबर टू, अगर आप बोर्ड से कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए किसी एसेट की तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, या फिर बोर्ड को लगता है कि आप जो ट्रांजैक्शन बना के पूछ रहे हैं वो आप टैक्स अवॉइडेंस करना चाहते हैं तो रूलिंग नहीं देंगे, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे तो फीस वापस नहीं मिलेगी आपको। द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स में आफ्टर एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन एंड रिकॉर्ड्स कॉल्ड फॉर आइदर अलाउ और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। हाउएवर द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स शैल नॉट अलाउ द एप्लीकेशन, यानी रिजेक्ट करेगा करेगा, वेयर द क्वेश्चन रेज इन द एप्लीकेशन 1 पेंडिंग है कहीं, इज ऑलरेडी पेंडिंग इन हिज केस बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी ITAT और कोर्ट इन रिगार्ड टू नॉन रेजिडेंट एप्लीकेंट रेफर्ड इन क्लॉज 1, रेजिडेंट एप्लीकेंट इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन विद नॉन रेजिडेंट रेफर्ड इन क्लॉज 2, रेजिडेंट एप्लीकेंट 100 करोड़ से ऊपर वाला 2A, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट एप्लीकेंट रेफर्ड इन गार वाला केस। सो पेंडिंग नहीं होना चाहिए, बट सरकारी कंपनी के केस में पेंडिंग होना मस्ट है बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल, बट इट शुड नॉट बी पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। हाउएवर दिस बार वुड अप्लाई वुड बी ऑपरेटिव फॉर द नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रेजिडेंट एप्लीकेंट्स रेफर्ड इन 245NB3 यानी पब्लिक सेक्टर कंपनी ओनली व्हेन द इशू इज पेंडिंग इन द कोर्ट। नंबर टू, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी अगर आप कहते हैं कि डिटरमिन करिए हमारी फेयर मार्केट वैल्यू। नंबर थ्री, अगर बोर्ड को लगता है जो आप ट्रांजैक्शन पूछ रहे हैं वो टैक्स अवॉइडेंस के लिए बनाई है आपने तो रिजेक्ट कर देंगे। रिलेट्स टू अ ट्रांजैक्शन, सो रिजेक्शन वाले केस नहीं है, विच इज डिजाइन प्राइमा फेसी फॉर अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स। तो अगर बोर्ड को लगता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन बनाई है इनकम टैक्स अवॉइडेंस के लिए बनाई है तो रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी है, बोर्ड को लगता है टैक्स अवॉइडेंस की ट्रांजैक्शन है तो भी रिजेक्ट नहीं की जाएगी, बिकॉज पब्लिक सेक्टर कंपनी इज नथिंग बट सरकार। हाउएवर दिस रिस्ट्रिक्शन इज नॉट एप्लीकेबल for the notified category of residence applicants referred in 245NB3 यानी सरकारी कंपनी अगर टैक्स अवॉइडेंस भी कर रही है तो भी बोर्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले आपको सुनने का मौका दिया जाएगा। Keynote A, no application shall be rejected unless an opportunity of being heard is given to the applicant. Order of rejection is a final order and no appeal is possible against such an order. Writ petition file kar sakte hain. So maine shuru mein kaha tha ki advance ruling ki authority ka jo order hai, jo main jisme ruling degi, uske against high court mein appeal kar sakte hain. But rejection order is not appealable. Where the application is rejected, reasons for rejection shall be given in the order. Copy of every order shall be sent to the applicant and to the principal commissioner and commissioner.
क्लियर है? सी, वेयर द एप्लीकेशन इज अलाउड द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग शेल आफ्टर एग्जामिनिंग सच फॉर द मेटीरियल एज मे बी प्लेस बिफोर इट बाय द एप्लीकेंट और ऑब्टेन बाय द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग प्रनाउंस इट्स एडवांस रूलिंग ऑन द क्वेश्चन स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन. सो बोर्ड एप्लीकेशन देखने के बाद, खुद मेटल इकट्ठा करने के बाद अपना ऑर्डर दे देगा. असेस रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे आप सुनिए, मुझे सुनिए, या मेरे सीए को सुनिए, मेरे वकील को सुनिए बिफोर पासिंग एन ऑर्डर. क्लॉज डी देखिएगा. ऑन अ रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेंट द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स शेल आफ्टर सो द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स शेल बिफोर प्रनाउंसिंग द एडवांस रूलिंग प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द एप्लीकेंट ऑफ बींग हर्ड आइदर इन पर्सन और थ्रू अ ड्यूली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव लाइक सी ए लॉयर. एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को अपना ऑर्डर पास करना पड़ेगा 6 months के अंदर, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन. क्लॉज ई देखिएगा. द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स शैल प्रनाउंस इट्स एडवांस रूलिंग इन राइटिंग विद इन 6 months ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन. कॉपी ऑफ रूलिंग भेजी जाएगी असेसी को और कमिश्नर को. अ कॉपी ऑफ द एडवांस रूलिंग प्रनाउंस बाय द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स ड्यूली साइन बाय द मेंबर्स एंड सर्टिफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर शैल बी सेंट टू द एप्लीकेंट एंड टू द प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर एज सून एज मे बी आफ्टर द प्रनाउंसमेंट. क्लॉज जी में कह रहे हैं ये भी हम फेसलेस कर देंगे. क्लॉज सी में कह रहे हैं इसको हम फेसलेस कर देंगे. सो बेसिकली फेसलेस की बात कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है. सो जो एडवांस रूलिंग का बोर्ड है उसके सामने प्रोसीडिंग्स फेसलेस की जाएंगी, इसकी स्कीम अभी आई नहीं है, बाद में लेके आएंगे. की नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस एक्ट 21 से पहले एडवांस रूलिंग ने जो जजमेंट दे दी उससे असेसी भी बाउंड था, डिपार्टमेंट भी बाउंड था, बट अब ये कह रहे कोई बाउंड नहीं है, कोई बाउंड नहीं है. हाँ, अब आप कहेंगे एडवांस रूलिंग लेने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो सीधा हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं. जो बीच का दरवाजा था, बीच के वो थे सीआईटी अपील्स, आईटीटी, वो सब हट जाएंगे. प्रायर टू अमेंडमेंट्स बाय द फाइनेंस एक्ट 21 द ऑर्डर ऑफ एडवांस रूलिंग वॉज बाइंडिंग ऑन द असेसी एज वेल एज द डिपार्टमेंट प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 21. हाउएवर फाइनेंस एक्ट 21 हैज डिलीटेड दिस प्रोविजन एंड देयरफॉर आफ्टर द अमेंडमेंट्स बाय द फाइनेंस एक्ट 21 ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग शैल नाइदर बी बाइंडिंग ऑन द असेसी नॉट बी बाइंडिंग ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. असेसी ओब्लिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन फाइल एन अपील टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स. नेक्स्ट सेक्शन कह रहे हैं कि ऑल दो इनकम टैक्स अथॉरिटीज बाउंड नहीं है बाय एडवांस रूलिंग जजमेंट, मतलब एडवांस रूलिंग, बट दे शुड वेट. अगर केस उनके पास पेंडिंग हो गया है तो जिस दिन एप्लीकेशन मूव उस दिन केस पेंडिंग नहीं था, या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी के केस में पेंडिंग था, पब्लिक सेक्टर कंपनी के केस में डेट ऑफ एप्लीकेशन वाले दिन पेंडिंग था, बाकी केस में पेंडिंग नहीं था, बाद में पेंडिंग हो गया, तो लॉ कहेगा कि
इनकम टैक्स अथॉरिटीज ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर नहीं पास करेंगे जब तक एडवांस रूलिंग नहीं आ जाती है. दे शुड वेट फॉर द एडवांस रूलिंग. इनकम टैक्स अपलेट अथॉरिटीज नॉट टू प्रोसीड इन सर्टन केसेस. सो पब्लिक सेक्टर कंपनी के केस में पेंडिंग था आपका केस बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटीज ट्रिब्यूनल, और उसने अगर रूलिंग मूव कर दी है एडवांस रूलिंग, तो अथॉरिटीज वेट करेंगी इस जजमेंट की बिफोर पासिंग द ऑर्डर. बाकी केस में पेंडिंग नहीं था जिस दिन एप्लीकेशन मूव की बट बाद में पेंडिंग हो गया, तो भी अथॉरिटीज वेट करेंगी अपना ऑर्डर पास करने की. आई मीन दे विल वेट फॉर द ऑर्डर ऑफ एडवांस रूलिंग बिफोर पासिंग द ऑर्डर. फाइनेंस एक्ट 21 से सेक्शन डाला गया. एडवांस रूलिंग जजमेंट जो है, एडवांस रूलिंग जो है, इट इज नाइदर बाइंडिंग ऑन द असेसी नॉर द डिपार्टमेंट. अगर असेसी के अगेंस्ट रूलिंग आ जाती है तो असेसी अपील फाइल करेगा टू द हाई कोर्ट, और अगर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आ जाती है तो डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा टू द हाई कोर्ट. वही तरीका होगा, सीआईटी एओ को डायरेक्ट करेगा कि आप अपील फाइल करिए, अपील टू हाई कोर्ट. द एप्लीकेंट इफ ही इज एग्री बाय द रूलिंग प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर पास बाय द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स और द एओ. सो एप्लीकेंट अगर वो एग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ द एडवांस रूलिंग या फिर एओ यानी डिपार्टमेंट ऑन द डायरेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर. सो असेसी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकता है, डिपार्टमेंट अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो एओ अपील करेगा हाई कोर्ट. मे अपील टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द रूलिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, और ये अपील करनी पड़ेगी विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दैट रूलिंग और ऑर्डर, और इसके लिए फॉर्म्स वगैरह प्रिस्क्राइब्ड है प्रोवाइडेड. Where the High Court is satisfied on an application made by the appellant in this behalf that the applicant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the 60 days, it may further extend the period of 30 days for filing the appeal. So, किसी वजह से आप 60 days में appeal नहीं कर पाए तो High Court 30 days का extension दे सकता है. अब ये कह रहे हाई कोर्ट के सामने भी हम सब फेसलेस कर देंगे, फेसलेस स्कीम आई नहीं है, बेकार है. टू फोर्टी फाइव टी अगर आप एडवांस रूलिंग बाय फ्रॉड ले लेते हैं, बाय मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स ले लेते हैं, तो कमिश्नर एडवांस रूलिंग बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को बताएगा इस तरह हुआ है, और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अपना ऑर्डर वॉइड डिक्लेयर कर देगी. एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस वेयर द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग फाइंड्स ऑन अ रिप्रेजेंटेशन मेड टू इट बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर और अदरवाइज that an advance ruling pronounced by it has been obtained by the applicant by the fraud or misrepresentation of facts, it may by an order declare the ruling to be void ab initio. Or fir, thereupon all the provisions of this act will apply after excluding the period beginning with the date on the date advance ruling was given and ending with the date order declaring the advance ruling as void. तो अगर बोर्ड एडवांस रूलिंग void डिक्लेयर कर देता है on the ground it was taken by fraud or misrepresentation of facts, तो आपका मतलब जो भी assessment करने का time period है वो बढ़ा दिया जाएगा from the date the advance ruling was given to the date advance ruling is declared void.
एनालिसिस ऑफ काट दीजिए, ये काट दीजिए एनालिसिस. एडवांस रूलिंग कैन बी ऑब्टेन बाय नॉन रेजिडेंट. केस शुड नॉट बी पेंडिंग बिफोर एन इनकम टैक्स अथॉरिटी आईटीटी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन दो इट मे बिकम पेंडिंग लेटर ऑन. रेजिडेंट डीलिंग विद अ नॉन रेजिडेंट. The case should not be pending before an income tax authority, ITAT, High Court, Supreme Court on the date of application. It may become pending later on. Resident moving application in relation to his tax liability arising out of transaction of 100 crores or more. The case should not be pending before any income tax authority, ITAT, High Court, Supreme Court on the date of application. It may become pending later on. Public sector company. The case should be pending before an income tax authority, ITAT, on the date of application. Public sector company cannot seek advance ruling if on the date of application, the case is pending before any court. Resident, non-resident can seek advance ruling only for a transaction proposed to be undertaken to know whether transaction is impermissible avoidance arrangement as per GAAP. The application cannot be made for a transaction online career which has been already entered into. In sabhi cases mein income tax authority ITAT apna order nahi pass karenge without waiting for the decision of बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग. कुछ जजमेंट्स हैं. नॉन रेजिडेंट रूलिंग ले सकता है. आप नॉन रेजिडेंट कब होने चाहिए? जिस समय आप रूलिंग एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं उस समय कोर्ट से का नहीं. देखिए आप नॉन रेजिडेंट कब होते हैं? अगर स्टे इन इंडिया इज लेस देन 182 डेज तो बोर्ड कोर्ट्स ने कहा कि हम पिछले साल का स्टेटस देखेंगे कि नॉन रेजिडेंट था या नहीं. जजमेंट वन. सेक्शन 245N प्रोवाइड्स दैट अ नॉन रेजिडेंट कैन मेक एप्लीकेशन द रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज डिटरमिन्ड विद रेफरेंस टू अ प्रीवियस ईयर एंड नॉट विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर डेट. हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं stay in India in a previous year is 182 days or more or not. Now the question is as to whether the applicant should be a non-resident in the previous year in which application is made. The answer is negative because the application may be made in April 21 and may be disposed of say in May 21. In such a case the full picture of stay of the assessee in previous year 22 shall not be available at the time of application or even by the date of disposal of application, therefore the previous year, with reference to which status of the applicant is determinable, must be the preceding previous year. Hamare example mein, previous year 21. Number 2. The board for advance rulings will not allow an application where the question of law, question of fact is already pending before an income tax authority ITD court in regard to the non-resident applicant, resident applicant in relation to a transaction with the non-resident, resident applicant referred in 2A, SOC road super. The word already pending means already pending on the date of application and not with reference to any future date. So, jis din aapne application move ki, us din pending nahi hona chahiye. Ho sakta hai, ek hafte baad pending ho jaye. आपको स्क्रूटनी का नोटिस आ गया. देयरफॉर इफ ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन टू द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग बाय द एप्लीकेंट द क्वेश्चन रेज वॉज नॉट पेंडिंग बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी ट्रिब्यूनल कोर्ट बट सब्सिक्वेंट द डेट ऑफ एप्लीकेशन द क्वेश्चन बिकम्स पेंडिंग द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग शेल गिव इट्स एडवांस रूलिंग. However, during the pendency of the application before the board for advance ruling, the income tax authority or tribunal cannot proceed without waiting for the order of board for advance ruling.
अगर आपने बोर्ड फॉर एडवांस लर्निंग का एप्लीकेशन मूव कर दिया है तो एओ अपना ऑर्डर नहीं पास कर सकता एंड देयरफॉर टाइम लिमिट्स बढ़ा दी जाएंगी। ये मैंने 153 में कराया नहीं था आपको, अब करा रहा हूं। तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी और जब अगर बोर्ड फॉर एडवांस लर्निंग रिजेक्ट कर देता एप्लीकेशन, तो जब रिजेक्शन ऑर्डर वापस आएगा कमिश्नर के पास, वो टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। और अगर बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेशन, ऑर्डर पास कर दिया, तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी टिल द डेट ऑर्डर इज पास बाय द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग विच इज रिसीव बाय द कमिश्नर, वो पीरियड इंक्रीज कर दिया जाएगा। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 153 टाइम लिमिट्स फॉर मेकिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट्स, द फॉलोइंग टाइम पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड। द पीरियड कमेंसिंग द डेट ऑन विच एप्लीकेशन इज मेड बिफोर द बोर्ड फॉर एडवांस लर्निंग अंडर 245Q एंड एंडिंग विद द डेट इन विच ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन इज रिसीव बाय द CIT। एंड नंबर टू, पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट द असेसी मेड एन एप्लीकेशन टू द बोर्ड एडवांस रूलिंग, सॉरी द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच एप्लीकेशन इज मेड बिफोर द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स एंड एंडिंग विद द डेट ऑन विच एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस बाय इट इज रिसीव बाय द CIT। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इस पीरियड में EO अपना ऑर्डर पास नहीं कर सकता, उसे वेट करना पड़ता है ऑर्डर ऑफ एडवांस रूलिंग, ऑर्डर ऑफ एडवांस रूलिंग का। फॉर असेसमेंट या 21-22 असेसी मेड एप्लीकेशन टू बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग ऑन 1-12-22 द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस इट्स एडवांस रूलिंग ऑन 30-4-22 होना चाहिए 21 सॉरी। बोर्ड ने अपनी रूलिंग दी 30-4-22 को, और ये रूलिंग मिली कमिश्नर को 31-5-22 को। अब क्या है, जो टाइम पीरियड है नॉर्मल 31-12-22, इसको एक्सटेंड कर देंगे डेट ऑफ एप्लीकेशन टू द डेट ऑन विच एडवांस रूलिंग इज रिसीव बाय द CIT। क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट एग्जामिनेशंस, 1 जनरल आप कर लीजिएगा, 2 है एडवांस रूलिंग वॉइड कब डिक्लेयर की जा सकती है, 3 है मीनिंग व्हाट इज एडवांस रूलिंग मीनिंग, 4 है कि रेजिडेंट ले सकता है रूलिंग या नहीं, 5 को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, आपको 3 बार एग्जाम में आ चुका है। केस लॉ का नाम याद करना है आपने, केस लॉ है एरिक्सन। यहां क्या हुआ, एक फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए, फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए। अब इंडियन कंपनी जानना चाहती है कि TDS कटेगा या नहीं, या लोअर रेट पे कटेगा, तो इंडियन कंपनी एक सेक्शन ऑफ द 195 जॉब करेंगे, 195 में AO के पास एप्लीकेशन देती है कि हमारा TDS कितना काटना है या नहीं। तो एक सेक्शन 195 करेंगे जहां इंडियन कंपनी अगर फॉरेन में उसे पेमेंट करनी है, उसे डाउट है TDS के बारे में, TDS कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए, या कम रेट पे कटना चाहिए या नहीं, तो इंडियन कंपनी 195 सेक्शन में AO को अप्लाई कर सकती है। तो यहां फॉरेन कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए इंडियन कंपनी के साथ, और इंडियन कंपनी ने 195 में एप्लीकेशन दे दी AO के पास कि TDS कटना चाहिए या नहीं, या कम रेट पे कटना चाहिए या नहीं। अब फॉरेन कंपनी जो एरिक्सन है वो एडवांस रूलिंग मूव करती है, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग कहता है कि ये केस तो पेंडिंग है डिपार्टमेंट के पास, इसलिए हम रूलिंग नहीं देंगे।
एरिक्सन हाई कोर्ट में गया थ्रू रिट पिटीशन, और हाई कोर्ट ने कहा एरिक्सन का केस पेंडिंग नहीं है, ये तो इंडियन कंपनी ने अपनी टीडीएस लायबिलिटी जानने के लिए एप्लीकेशन दी है, तो इसे आप पेंडिंग नहीं मानेंगे इन केस ऑफ एरिक्सन। यानी असेसी का खुद का केस अपने ही केस में पेंडिंग है तो नहीं मूव कर सकते। अ फॉरेन कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज 125 क्वेश्चन 5, तीन बार एग्जाम में आ चुका है। अ फॉरेन कंपनी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विथ सेवरल इंडियन कंपनीज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टेलीफोन सिस्टम एंड मेड एन एप्लीकेशन टू बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स ऑन द रेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स ऑन रिसीट्स फ्रॉम इंडियन कंपनीज। तो फॉरेन कंपनी ने एप्लीकेशन दी बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को कि कितना हमारा टीडीएस कटना चाहिए। वन ऑफ द इंडियन कंपनीज, एक इंडियन कंपनी ने मेड एन एप्लीकेशन टू द एओ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स एट विच इट इज डिडक्टेबल ऑन पेमेंट टू द सेट फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी ने एओ को एप्लीकेशन मूव की थी 195 में कि कितना टीडीएस कटना चाहिए। बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग रिजेक्टेड द एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन कंपनी ऑन द ग्राउंड दैट द क्वेश्चन रेज ऑन द एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर एन इनकम टैक्स अथॉरिटी, इज द रिजेक्शन जस्टिफाइड और नॉट। कोर्ट ने कहा नहीं। एज पर सेक्शन 245R द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में After examining the application and records called for, either allow or reject the application. However, the board for advanced ruling shall not allow the application where the question raised in the application is already pending in his case. Is already pending in his case before an income tax authority, ITT or court in regard to wo jo categories hai. The facts of the question are same similar to Ericsson Telephone Corporation India AB versus CIT. इस केस का नाम आपको याद करना है। In this case, it was held that question raised in the application by the foreign company is not pending in the case of foreign company before any income tax authority, ITT or court. The Indian company in question has raised the question before the AO, not on the applicant's behalf. यानी foreign company के behalf पे application नहीं दिया उसने Indian company ने, और with a view to benefit the applicant, but only to safeguard its own interest, as it had a statutory duty to deduct proper amount of tax from the payments made to the non-resident. Although the question raised pertained to one of the payments made to the applicant, it is not pending determination before any income tax authority in the applicant's case. Therefore, it would not be proper to reject the application relying under 245R. Hence, rejection of application of the foreign company by board for advance ruling is not justified. Question 6 hai ki aapne advance ruling move ki aur 30 din baad application withdraw karna chahte hain. Kar sakte hain as per the M.K. Jain case. सेवंथ है पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इसमें इशू यह है कि केस कब पेंडिंग माना जाएगा। अगर आपको स्क्रूटनी नोटिस आ गया है तो क्या केस पेंडिंग माना जाएगा? स्क्रूटनी नोटिस के साथ क्वेश्चनेयर भी आया है तो क्या केस पेंडिंग माना जाएगा? देखिए क्या है। ECO and company filed an application for advance ruling for assessment year 2021, 21-22, 22-23 with the board for advance ruling. For assessment year 2021 and 21-22, scrutiny notices under 143-2 were issued to the assessee and subsequently before the date of filing of the application with the board for advance ruling, notice under 142.1
along with the questionnaire was also issued. So notice भी आ गया और 142(1) के साथ एक questionnaire भी आपको आ गया before the filing of the application. For assessment year 22-23, सिर्फ आपको notice आया 143(2) का was issued before the date of filing the application with the board. और जो notice है 142 का along with the questionnaire, वो सर्व हुआ सेसी पर आफ्टर द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन. सो यहां दो साल के लिए आपको 143(2), 142(1) और क्वेश्चनर इशू हो गया बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन. और 22-23 के लिए सिर्फ आपको नोटिस इशू हुआ, क्वेश्चनर नहीं आया. कैन द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड दैट प्रोसीडिंग ऑलरेडी पेंडिंग. यहां हाई कोर्ट ने कहा सिर्फ 143(2) देने से केस पेंडिंग नहीं मानेंगे. 143(2) के साथ अगर क्वेश्चनर भी आ गया है तो केस पेंडिंग माना जाएगा. अकॉर्डिंगली इन दो सालों में डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले आपको 143(2) भी आ गया और क्वेश्चनर भी आ गया तो केस पेंडिंग मानेंगे. बट 22-23 के लिए सिर्फ नोटिस आया है तो केस पेंडिंग नहीं माना जाएगा एज पर द हाई कोर्ट. इशू इन्वॉल्व्ड, द इशू अंडर कंसिडरेशन इज वेदर द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग कैन रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग ऑन द ग्राउंड दैट प्रोसीडिंग आर ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर एन इनकम टैक्स अथॉरिटी where a notice under 143(2) in pre-printed format is issued. Provisions applicable. As per 245R, board for advance ruling nahin de sakta agar case pending hai before income tax authority. The facts of the case are similar to the facts in Hyosung Corporation, where the above issue came before the Delhi High Court. The court observed that mere issue of notice under 143(2) in pre-printed format will not amount to proceeding pending for the purpose of applying section 245R. So court ne kaha sirf agar pre-printed notice issue hua hai to use hum pending nahi manenge. However, issue of notice under 142(1) accompanied by questionnaire before filing of the application by the SSE before the board of advance ruling वो टेंट अमाउंट टू प्रोसीडिंग विच इज पेंडिंग. तो हाई कोर्ट ने कहा कि अगर नोटिस के साथ या बाद में बट एप्लीकेशन देने से पहले अगर आपको क्वेश्चनर भी आ गया है तो केस पेंडिंग माना जाएगा. दस अप्लाइंग द रैशनल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग टू द केस इन हैंड द एप्लीकेशन फॉर असेसमेंट एट 22-23 कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग सिंस नोटिस अंडर 142(1) विद अ क्वेश्चनेयर ये इशू हुआ था आपको आफ्टर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन और इसको हम केस पेंडिंग नहीं मानेंगे. बट 2021-22 के लिए केस पेंडिंग माना जाएगा बिकॉज एप्लीकेशन देने से पहले आपको नोटिस भी आ गया और क्वेश्चनेयर भी आ गया. रेस्ट आप कर सकते हैं. सो एक छोटा सा टॉपिक कराता हूं आपको फाइनेंस एक्ट 21 से बिफोर वी स्टार्ट विद द डीटीएस. पेज 390 पर आइएगा. मोदी साहब चाहते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो है ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाए. जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ये बन जाए. तो यहां इन्होंने बेनिफिट्स दिए जो फॉरेन फंड्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स फंड हैं, वो अपने आप को रीलोकेट कर लें आईएफएससी में. हम टैक्स इंप्लीकेशंस जीरो कर देंगे. बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स फंड को कह रहे हैं कि आप
इंडिया में शिफ्ट कर जाइए। इंडिया में कहां पर? आईएफएससी में। और जो आपका टैक्स एग्जेम्पशन थी बाहर, वही हम यहां पर रखेंगे और शिफ्टिंग करने पर हम कोई टैक्स आपको नहीं लगने देंगे। फाइनेंस एक्ट पेज 390 चैप्टर 27। सो डीटीएस वगैरह स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा चैप्टर कर लेते हैं फाइनेंस एक्ट 21 से। फाइनेंस एक्ट 21 हैज इंट्रोड्यूस्ड द प्रोविजंस फॉर टैक्स न्यूट्रलिटी इफ अ फॉरेन इन्वेस्टर फंड रीलोकेट इटसेल्फ टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन इंडिया। लेट अस अंडरस्टैंड द न्यू लॉ थ्रू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक सिंगापुर में फंड है, सिंगापुर इन्वेस्टर्स फंड इज अ फंड रजिस्टर्ड इन सिंगापुर। इंडिया हैज डीटीए विथ सिंगापुर। ये जो फंड है, इट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस ऑफ सिंगापुर। इस फंड के यूनिट्स सारे नॉन रेजिडेंट्स होल्ड कर रहे हैं और ए बी सी डी ई नॉन रेजिडेंट्स हैं जो इस सिंगापुर फंड के यूनिट्स होल्ड कर रहे हैं, ये इनकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है। इस फंड ने सिंगापुर में इन्वेस्ट किया इन द फॉलोइंग शेयर्स: रिलायंस जीडीआर, टाटा स्टील के जीडीआर, बजाज ऑटो के जीडीआर, एप्पल कंपनी यूएस के शेयर्स, अलीबाबा के शेयर्स। तो सिंगापुर कंपनी फंड अगर इनको सिंगापुर में बेचेगा तो टैक्स नहीं लगेगा। अब इंडिया में फंड बनाया जाता है, इंडिया सिंग इन्वेस्टर फंड इज फॉर्म्ड इन इंडिया ऑन 1/9/21 एंड इट हैज बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज कैटेगरी 1 AIF बाय सेबी एंड इज इनकॉर्पोरेटेड लोकेटेड इन IFSC। सो एक इंडिया सिंग इन्वेस्टर फंड बनाया गया IFSC। इसके पास कैटेगरी 1 AIF का लाइसेंस है। आप सिंगापुर फंड जो है अपने सारे शेयर्स ट्रांसफर कर देता है टू इंडिया सिंग इन्वेस्टर्स फंड ऑन 30th September 2021। इंडिया सिंग इन्वेस्टर्स फंड अलॉट करता यूनिट्स टू द फॉलोइंग शेयर होल्डर्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन: मिस्टर ए, मिस्टर बी। सेम प्रोपोर्शन में इंडियन फंड के यूनिट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। अब ये इंडिया सिंग इन्वेस्टर फंड शेयर सेल करता है रिलायंस के, टाटा स्टील के, बजाज ऑटो के, गूगल के, अलीबाबा के स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन IFSC एंड अर्न्स कैप गेन्स ऑफ 300 करोड़। 300 करोड़ इज रेमिटेड टू मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई एज फॉलोस। सो सिंगापुर से जो फंड बना इंडिया में, उसने अब IFSC में रिलोकेट किया और IFSC में शेयर्स बेचे, 300 करोड़ का कैप गेन हुआ और ये पैसा रेमिट कर दिया गया नॉन रेजिडेंट्स को इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, मतलब जो इनकम है यूनिट्स पर। अब देखिए ये जो 300 करोड़ मिल रहा है नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर को, ये एग्जेम्प्ट है 1023FF में जो इंट्रोड्यूस किया गया बाय फाइनेंस एक्ट 21। सो जो इंडिया सिंग इन्वेस्टर फंड ये शेयर्स बेच रहा है, ये तो 47(7)(ab) में एग्जेम्प्ट है इंडिया सिंग फंड के हाथ में। बट जो 300 करोड़ जो रेमिट कर रहा है फंड, इंडियन फंड टू द नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स, वो टैक्सेबल होगा बिकॉज इंडिया से रेमिट हो रहा है, बट उसे एग्जेम कर दिया गया इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर्स। इनकम एग्जेम फ्रॉम टैक्स: एनी इनकम इन द नेचर ऑफ कैप गेन्स अराइजिंग रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट और स्पेसिफाइड फंड विच इज ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी
रेजिडेंट इन इंडिया बाय द रिजल्टेंट फंड. रिजल्टेंट फंड कौन है मेरा? इंडिया सिंह फंड. टू द एक्सटेंट एट्रिब्यूटेबल टू यूनिट्स हेल्ड बाय द नॉन रेजिडेंट नॉट बींग अ पी ऑफ द नॉन रेजिडेंट इंडिया कैलकुलेट इन सच मैनर एज़ वी प्रिस्क्राइब एंड वेयर सच शेयर्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल फंड or from its wholly owned special purpose vehicle to the resultant fund in its relocation and where the capital on such shares were not charged to tax if relocation has not taken place shall be exempt from tax. Section mein thoda technical language hai, niche padhenge. Original fund hai mera Singapore fund. Resultant fund hai mera इंडिया सिंह इन्वेस्टर फंड. सो यहां से पढ़िए 1023FF की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है. सो ऊपर सेक्शन छोड़ दीजिए, यहां से पढ़िए. इनकम इन नेचर ऑफ कैप गेन्स इज रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स. कैप गेन्स इज ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया दैट इज बजाज रिलायंस टाटा स्टील. Capital on Apple, Google, Alibaba are in any ways not taxable since these are located outside India. Shares are sold by the resultant fund. Such shares were transferred by Singapore fund to India fund in relocation. Capital were not taxable if these shares were sold in Singapore as transfer of GDR outside India and transfer of foreign shares outside India is not taxable. सेक्शन 47 में अमेंडमेंट लेके आए कि जब सिंगापुर इन्वेस्टर फंड शेयर्स ट्रांसफर करेगा इंडिया फंड को तो कैप गेन्स नहीं लगेगा, और जब इंडियन फंड यूनिट होल्डर्स को यूनिट अलॉट करेगा इन लियो ऑफ द यूनिट्स ऑफ सिंगापुर फंड तो भी यूनिट होल्डर पर टैक्स नहीं लगेगा. Amendment in section 47, there will be no cap gain in hands of Singapore investor fund when it transfers the shares held by it into India Singh investor fund in view of 47(7AC) introduced by Finance Act 21. Non-resident unit holder ke haath mein bhi tax nahi lagega. When they receive the units of India Singh investors fund इन लियो ऑफ यूनिट्स ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टर फंड, इसके लिए 7AD लेके आए. सो 47 में अमेंडमेंट आई कि रीलोकेशन में जब सिंगापुर फंड इंडियन फंड को शेयर ट्रांसफर करेगा देयर विल बी नो कैप गेन्स इन हैंड्स ऑफ सिंगापुर फंड, 7AD लेके आए. यूनिट होल्डर को अगर इंडियन फंड के यूनिट्स मिलेंगे इन लियो ऑफ द यूनिट्स ऑफ द फॉरेन फंड उनके हाथ में एक्सचेंज नहीं मानेंगे हम, ट्रांसफर नहीं मानेंगे. ओरिजिनल फंड रीलोकेशन, ये डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं. अदर कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स सेक्शन 49(1) विच डील्स विद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड एज फॉलोज. द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स in the hands of resultant fund, that is India Singh investor fund, shall be the same as cost of acquisition in hands of original fund, Singapore fund. Aur jo cost of acquisition of units hai resultant fund mein, in the hands of unit holder wahi hogi jo cost of acquisition of units hai of the Singapore fund. 56 to 10 laya gaya ki इंडियन फंड के हाथ में 56 टू 10 नहीं लगाएंगे हम, यूनिट होल्डर के हाथ में 56 टू 10 नहीं लगाएंगे. थर्ड छोड़ दीजिए. सो बेसिकली इतनी नॉलेज काफी है, एग्जांपल के थ्रू ये कर लीजिए. नेक्स्ट चैप्टर आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स.
क्या होता है, एक इंडियन रेजिडेंट है, मान लीजिए आपके फादर है, वो यूएस गए 3 महीने के लिए और यूएस में मान लीजिए उन्होंने 30 लाख कमाए इन 3 महीने में। आपके फादर रेजिडेंट है, देयरफॉर उनकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, यहां टैक्स लग गया। उधर यूएस के लॉस कहते हैं कि अगर यूएस में कोई इनकम अर्न करते हैं दैट बिकम्स टैक्सेबल इन यूएस, यहां टैक्स हो गई। यानी एक ही इनकम दो जगह टैक्स हो रही है, इसे बोलते हैं हम डबल टैक्सेशन। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है। उल्टा केस लीजिए, एक अमेरिकन इंडिया में 3 महीने के लिए आता है, अमेरिकन नॉन रेजिडेंट है, 3 महीने रहा इंडिया, इनकम कमाई 30 लाख, एज पर इंडियन लॉस 30 लाख इज टैक्सेबल इन इंडिया बिकॉज इट्स अर्न इन इंडिया। उधर यूएस के लॉ कहते हैं कि उनका रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, डबल टैक्स लग गया। एंड देयरफॉर क्या करती है कंट्रीज की गवर्नमेंट्स आपस में बैठ जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूएस, और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स एंटर करती है, जिसे हम कहते हैं DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसे कुछ लोग ADTA भी बोलते हैं, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स। प्रैक्टिकली किस नाम से ये फेमस होते हैं? ट्रीटी, टैक्स ट्रीटी बोलते हैं। जब मेरे साथ आप पेपर 6C करेंगे, मैं आपको डीटीए पढ़ना सिखाऊंगा, बिकॉज जो पेपर 6C में क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको डीटीए पढ़ना आना चाहिए। एक दो बातें बताया था आपको, ये जो डीटीए होते हैं ना, इनमें पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, उन पैराग्राफ को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। सो गवर्नमेंट्स आपस में बैठ जाती हैं, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूएस DTA एंटर करती है, डिफाइन करती है कि कौन सी इनकम्स इंडिया में टैक्स होंगी, यूएस में टैक्स नहीं होंगी, यूएस में टैक्स होंगी, इंडिया में टैक्स नहीं होंगी। इस तरह से डिसाइड करते हैं कि दोनों कंट्री को अगर टैक्स का लॉस हो रहा है, बराबर लॉस हो। डीटीए में या तो इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ये इनकम यहां टैक्सेबल है, यहां टैक्सेबल नहीं, यहां टैक्सेबल है, यहां टैक्सेबल नहीं। सो डीटीए एक्सक्लूजन मेथड कहते हैं इसे हम, कि डीटीए प्रोवाइड करेगा कि एक्सक्लूड कर दीजिए इनकम एक जगह, एक्सक्लूजन मेथड। ये सारी प्रॉपर बातें करेंगे हम पेपर 6C में। डीटीए कई बार यह भी कहता है कि इनकम दोनों जगह टैक्स है, इनकम यहां भी टैक्स है, यहां भी टैक्स होगी, बट फिर डीटीए क्या करता है, जो टैक्स आपने यहां पे किया उसका यहां क्रेडिट देता है। क्रेडिट कैसे मिलता है ये पढ़ेंगे आगे जाके, पेपर 6 में पढ़ते हैं सोर्स रूल, वहां सोर्स रूल पढ़ते हैं हम डीटीए का। पर अगर आप सिर्फ पेपर 7 के लिए, जो मैं करा रहा हूं अभी, उतना काफी है। सो डीटीए या तो एक्सक्लूजन मेथड प्रोवाइड करते हैं, एक्सक्लूजन मेथड मतलब
इनकम यहां से एक्सक्लूड कर देते हैं, यहां से एक्सक्लूड कर देते हैं, या फिर टैक्स क्रेडिट मेथड प्रोवाइड करते हैं। टैक्स क्रेडिट यानी इनकम दोनों जगह टैक्सेबल टैक्सेबल है, बट टैक्स पेड इन वन कंट्री इज अलाउड फ्रॉम द टैक्स पेएबल इन द अदर कंट्री। ठीक, बताइए। यानी दोनों गवर्नमेंट मिलकर रिलीफ दे रही हैं, इसे बोलते हैं हम बाइलेटरल रिलीफ। दोनों मिलकर रिलीफ दे रही हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज के साथ हमारे डीटीए है ही नहीं, कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया के डीटीए नहीं है। आप देखिए क्या होता होगा, आपके फादर है कंट्री, लेट्स से केनिया मान लेते हैं, ऑल्दो केनिया में डीटी है हमारा, आपके फादर रेजिडेंट है, 3 महीने के लिए केनिया गए, केनिया के साथ वी डू नॉट हैव एनी डीटीए। वहां आपके फादर ने 3 महीने में 30 लाख कमाए, उधर केनिया की गवर्नमेंट उस 30 लाख पर टैक्स लगा देती है, और इधर इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, 30 लाख पे टैक्स लगाएगी। ग्लोबल इनकम्स ऑफ रेजिडेंट आर टैक्सेबल। आपके फादर बेचारे फंस गए, रेजिडेंट बेचारा फंस गया, उसे 2 जगह टैक्स देना पड़ गया, रिलीफ मिल नहीं पाएगा बिकॉज डीटीए नहीं है। उस केस में इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से रिलीफ देती है। ये रिलीफ होता है सेक्शन 91 में, दैट्स कॉल्ड अ यूनिलेटरल रिलीफ। यानी इंडियन गवर्नमेंट देखती है कि ये इनकम दोनों जगह टैक्स हो रही है, डीटीए है नहीं, बंदा रेजिडेंट है, डबल टैक्सेशन हो रही है, तो यूनिलेटरल रिलीफ देती है अंडर सेक्शन 91। डीटीए में रिलीफ मिलता है अंडर सेक्शन 90 एंड 90 ए, डीटीए 1990 ए, बाय यूनिलेटरल रिलीफ इज अंडर सेक्शन 91। इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ एडवांस ग्लोबलाइजेशन बिजनेस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल ज्योग्राफिकल टेरिटरी एंड क्रॉसेस द बॉर्डर्स ऑफ कंट्रीज। This had emerged a complex world of business along with the complex world of accounting and finance. The taxation of income can be based on 2 things. 1, source rule. 2, residence rule. India wale kya karte hain? Kai jagah source rule lagate hain, kai jagah resident rule lagate hain. जहां फॉरनर को इनकम हो रही है सोर्स रूल, जहां रेजिडेंट को इनकम हो रही है रेजिडेंट रूल। यही बाहर की कंट्रीज भी करती है। देयरफॉर डबल टैक्सेशन अराइजेस। द कंट्री हैज अ राइट टू टैक्स द प्रॉफिट अर्नड ऑन इट्स लैंड बाय एनीवन एंड टू टैक्स द ग्लोबल इनकम ऑफ द residents. This leads to taxation of the same income more than once in different countries in times where economies are going global, borders are fading. Double taxation is one of the major obstacles in the development of intra-country economic relations. In order to prevent this hardship and to avoid double taxation of such income, same income, relief is provided to the taxpayer in the following manner. बाइलेटरल रिलीफ। ये कैसे होता है? कंट्रीज एंटर करती हैं डीटीए, ये करती है अंडर सेक्शन 1990 ए। बाइलेटरल रिलीफ
ये सब कुछ करना है आपने, मतलब ये जो मैं करा रहा हूं कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, एग्जामिनर ये भी पूछ चुका है ये पोर्शन। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आने के बाद भी ना डाला हो, मेरे 10 साल पुराने मॉड्यूल देखिए उसमें भी सेम चलता है। बायलेटरल रिलीफ कैसे देते हैं, एग्जेम्पशन मेथड या टैक्स क्रेडिट मेथड? व्हाट इज एग्जेम्पशन मेथड? दूसरी कंट्री में एग्जाम करती, एक जगह टैक्सेबल करती। टैक्स क्रेडिट मेथड, दोनों जगह टैक्स किया, जो टैक्स पे किया आपने एक कंट्री में उसका क्रेडिट दूसरी कंट्री में दिलवा दिया। एग्जेम्पशन मेथड, अ पार्टल इनकम इज टैक्स ओनली इन वन ऑफ द टू कंट्रीज। टैक्स क्रेडिट मेथड, इनकम इज टैक्स इन बोथ द कंट्रीज इन अकॉर्डेंस विद द रिस्पेक्टिव लॉज रेड विद DTA। However, the country of residence of taxpayer allows credit for the tax charge in the country of source. यानी country of source में जो tax charge हुआ है उसका credit मिलता है from country of residence. Royalty में बताएंगे, royalty, अगर royalty दोनों जगह tax हो रही है India US, फिर क्या होता होगा? फॉरेन कंपनी ने इंडिया में नो हाउ दिया, रॉयल्टी दी गई, इंडिया ने टैक्स कर लिया, उधर यूएस ने भी टैक्स कर लिया। सोर्स इज जहां से इनकम पैदा हो रही है, इंडिया। तो जो इंडिया में टैक्स पे किया है दैट विल बी गिवन क्रेडिट टू द यूएस कंपनी इन यूएस फ्रॉम द टैक्स पेबल इन यूएस। पेपर 6 में बहुत डिटेल में करते हैं इसे हम। यूनिलेटरल रिलीफ, ये क्या होता है? जब DTA नहीं होता तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया वो रिलीफ प्रोवाइड करती है, दैट इज सेक्शन 91। मैं DTAs आपको नेक्स्ट क्लास में कराना चाहूंगा। DTAs मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराना चाहूंगा। जहां DTA नहीं है सेक्शन 91 वो पहले कर लेते हैं। 10 मिनट का सेक्शन है, बट पास्ट या क्वेश्चंस देखेंगे भरे पड़े हैं और हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नया कंसेप्ट डाल देता एग्जामिनर। तो इनफैक्ट आप देखेंगे मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो सेक्शन 90 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पेज 136 पर आइए, सेक्शन 91, कंट्रीज विद विच नो DTA एग्जिस्ट। If the person who is resident in India in any previous year proves that in respect of his income which has accrued arose during that previous year outside India, and that income is not deemed to accrue arise in India, he has paid in any country with which there is no agreement under section 90 for relief or avoidance of double taxation, income tax. By way of deduction or otherwise, under the law in force in that country, then he shall be entitled to deduction from the Indian income tax payable by him of a sum calculated on such a doubly taxed income. Relief ki state pe denge at the इंडियन रेट ऑफ टैक्स और रेट ऑफ टैक्स इन द सेट कंट्री विच एवर इज लोअर।
और आगे वाली लाइन तो बेवकूफी लिखी हुई है, अगर दोनों रेट्स इक्वल है तो हम इंडियन रेट पर देंगे, फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों रेट्स इक्वल है तो किसी पर भी अप्लाई करके दीजिए, आंसर विल बी द सेम। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, टू इंडियन रेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या हुआ, द रेट डिवाइड डिटरमिन बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ इंडियन इनकम टैक्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ एनी रिलीफ ड्यू अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बट बिफोर डिडक्शन ऑफ रिलीफ ड्यू इन द सेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। सिंपल है ना, टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, और ये टोटल टैक्स होगा बिफोर रिलीफ अंडर सेक्शन 91। रेट ऑफ टैक्स इन द सेट कंट्री, बिना पढ़े बताइए क्या होगा, टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री डिवाइडेड बाय इनकम फ्रॉम दैट फॉरेन कंट्री। तो सिंपल है प्लीज, रेट ऑफ टैक्स इन द सेट कंट्री मीन्स इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स एक्चुअली पेड इन द सेट कंट्री इन अकॉर्डेंस विद द कॉरेस्पॉन्डिंग लॉज इनफोर्स इन द सेट कंट्री आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल रिलीफ बट बिफोर डिडक्शन ऑफ रिलीफ ड्यू इन द सेट कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ डबल टैक्सेशन डिवाइडेड बाय द होल अमाउंट ऑफ इनकम एज असेस्ड इन द फॉरेन कंट्री। ये सब छोड़िए, एनालिसिस से करिए। सुपर टैक्स, कुछ कंट्रीज में इनकम टैक्स को सुपर टैक्स बोलते हैं, कुछ कंट्रीज में जो रिच लोग होते हैं उस पर सुपर टैक्स लगाया जाता है, दैट्स इन द नेचर ऑफ इनकम टैक्स ओनली। ऊपर सारा छोड़ दीजिए, एनालिसिस से करिए। फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 91 सबसेक्शन 1 द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। असेसी क्या है, रेसिडेंट इन इंडिया है, दूसरी जो इनकम हो रही है वो कहां राइज हो रही है, इंडिया से बाहर हो रही है, नंबर 3 ये जो इनकम है इट इज नॉट डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया, डी क्या है, बाहर की कंट्री में असेसी ने इस पर टैक्स दे दिया है, ई सेम ही है, एफ देयर इज नो डीटीए बिटवीन इंडिया एंड द कंट्री जहां से इनकम अराइज हो रही है। इफ देयर इज अ कंट्री विद विच इंडिया डज नॉट हैव अ डीटीए and the assessee in respect of income arising also in India pays income tax in foreign country and also in India, then he shall be entitled to deduct the lower of the following amount from income tax payable by him in India in respect of the doubly taxed income. Formula padhiye. टैक्स ऑन सच डबली टैक्सड इनकम एट द रेट एप्लीकेबल इन इंडिया, जो कैसे निकालेंगे हम, टैक्स ऑन टोटल इनकम इन इंडिया डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इन इंडिया इंटू 100 इंटू डबली टैक्स इनकम। बताइए, टैक्स ऑन सच डबली टैक्स इनकम एट द रेट एप्लीकेबल इन द फॉरेन कंट्री दैट इज टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल इनकम असेस इन फॉरेन कंट्री इनटू 100 इनटू डबली टैक्स इनकम। ये सब छोड़िए, इतनी लंबी कहानी, मुझे एक वर्ड में बताइए क्या करना है। एवरेज रेट ऑफ इंडियन टैक्स
उस पर रिलीफ दे दीजिए, या फिर एवरेज रेट एज पर फॉरेन विच एवर इज लोअर उस पर डबल टैक्स इनकम को रिलीफ दीजिए। ठीक, इधर देखिए मॉड्यूल मत देखिए, मॉड्यूल मत देखिए। एक रेजिडेंट है, थर्टी फर्स्ट मार्च 21 में उसे बाहर से रॉयल्टी आ रही है 10 लाख। फॉरेन कंट्री ने टीडीएस काट लिया उसका, 50,000 टैक्स बना, वो काट लिया, और इंडिया में उसे रेमिट कर दिया 9,50,000। कुछ बताते करिए, मैं फ्रेम से बाहर जाता हूं। और ये पैसा इंडिया में मिल गया उसे 6 मंथ्स के अंदर ही। इंडिया का डीटीए नहीं है, इंडिया का इस कंट्री के साथ डीटीए नहीं है। 50,000 जो टीडीएस काटा गया है वो टैक्स बनता है फॉरेन कंट्री के हिसाब से ऑन रुपीज 10 लाख। एक्सपेंसेस और रॉयल्टी को अर्न करने के लिए किए गए वो है 2,10,000। उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है 150। अब आप पीजीपी पे इनकम निकालेंगे, रॉयल्टी कितनी मिली है 950, 10 लाख। एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे 210। पीजीपी इनकम आ गई मेरी 790। अदर सोर्स इनकम है 150। बुक्स पर रॉयल्टी मिल रही है तो एटी क्यूक्यूबी में 3 लाख डिडक्शन मिल जाएगी। यह आ गया 640। टैक्स निकलो 640 पर, पहले 250 पे नेल, अगले 250 पे 12,500, 140 पे 20%, 28,000, 40,500, 4% सेस एड कर दीजिए, कितना हो गया 4,050, 16,200, 4,200। ये टैक्स बन गया। अब इंडियन रेट ऑफ टैक्स क्या हुआ, 6,40। दिस इज द एवरेज ऑफ इंडियन टैक्स। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फॉरेन टैक्स, कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है? रिलीफ इस पे देंगे 5% ऑन 10 लाख रुपीज। सो 5% रिलीफ देंगे ऑन रुपीज 10 लाख। एग्री कर रहे सब लोग? यही तो गलती करवाता है एग्जामिनर आपसे, मुझे अगले 1 घंटे यही तो गलतियां करवानी है आपसे। रुक जाइए, रुक जाइए,
बाहर आपने कितनी इनकम पर टैक्स दिया? 10 लाख। इंडिया में आप कितनी इनकम पर टैक्स दे रहे हैं? 640। हाउ कैन यू से डबल टैक्स इनकम इज 10 लाख? 640 भी नहीं है। 10 माइनस 2, 10 माइनस 3। डबल टैक्स इनकम तो है 640 माइनस 150। डबल टैक्स इनकम क्या है? जो बाहर से इनकम मिली मुझे, उसमें ये तो खर्चा मिल गया मुझे, इसी पर ATQQ मिल गया मुझे, तो 10 माइनस 2, 10, 7, 90 माइनस 3, 4, 90 इज द डबल टैक्स इनकम। विवेक, तो यहां 4, 90 डबल टैक्स इनकम है। इसी तरह के इश्यूज आएंगे यहां पर। सबसे पहला मेन इशू ये है। सो यहां कोर्ट्स ने कहा डबल टैक्स इनकम वो होती है जो फॉरेन इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूडेड है। 10 लाख पे तो डबल टैक्स लगा ही नहीं ना। इंडिया में टैक्स 640 पे लग रहा है, 640 में से भी 150 अदर सोर्स इनकम है, तो 490 इज द डबल टैक्स इनकम। सबसे मेजर कंसेप्ट देखिएगा नेक्स्ट पेज पर। PGP 10 एक्सपेंसेस लेस किए, अदर सोर्स एड के 940, QQB 3 लाख, 640 पे टैक्स निकला, सेस एड किया, टैक्स ये निकल गया मेरा। रिलीफ अंडर सेक्शन 91 कैसे निकाला हमने? इट हैज बीन हेल्ड इन अ नंबर ऑफ केसेस इंक्लूडिंग डॉक्टर RN झांझी, इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर का केस भी रिपोर्ट हुआ है अभी। मैंने वो केस इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको पता ही नहीं सचिन तेंदुलकर मतलब चैप्टर 6 में डिडक्शन कहां क्लेम करता था, वो सेक्शन डिलीट हो गया। जैसे ऑथर को मिलता है ना ATQQB, ऐसे कुछ प्लेयर्स को डिडक्शन मिला करती थी चैप्टर 6 से में। तो जो सचिन तेंदुलकर बाहर मैचेस खेलता था उसके लिए उसे डिडक्शन मिलती थी। वो केस अभी रिपोर्ट हुआ है, बिल्कुल सेम है, सेम इशू वहां पर। इट हैज बीन हेल्ड इन अ नंबर ऑफ केसेस इंक्लूडिंग डॉक्टर RN झांझी दैट फॉरेन इनकम रेफर टू इन सेक्शन 91 विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर ATQQB देन रिलीफ अंडर सेक्शन 91 शैल बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन इनकम इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। इन प्रेजेंट केस द फॉरेन इनकम इंक्लूडेड इन टोटल इनकम इज 490 ओनली एंड देयरफॉर डबली टैक्स इनकम इज 490 and therefore relief is Indian tax into 490, foreign tax, foreign average rate of tax into 490. This is the relief. Clear? एक तो सबसे major adjustment examiner ये मांगता है, और पिछले 3-4 साल से इन्होंने बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछने शुरू करती है, 100% प्रैक्टिकल। मैं आपको एज होमवर्क ना देके क्लास में ही कराऊंगा। ब्रेक की बात करते हैं। Can we please start the class? तो आपने देखा सेक्शन 91 रिलीफ इज ऑन द डबल टैक्स्ड इनकम। डबल टैक्स्ड इनकम होती है जैसे 10 लाख था हमारा, एक्सपेंसेस माइनस करिए, चैप्टर 6 से माइनस करिए, जो फॉरेन इनकम अल्टीमेटली टोटल इनकम में जा रही है मेरी, दैट इज द डबल टैक्स इनकम। सपोज आपको कंट्री ए से भी इनकम आ रही है, कंट्री बी से भी इनकम आ रही है, और दोनों के साथ DT नहीं है आपके,
तो अब जो आप रिलीफ निकालेंगे कंट्री वाइज निकालेंगे या कंपोजिट निकालेंगे? कंट्री वाइज निकालेंगे। ये बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने कही पेज 140 पर। फ्रॉम द जुडिशरी ऑन द अमाउंट ऑफ डबली टैक्स्ड इनकम सो अ सर्टेन इनकम टैक्स is to be calculated at the Indian rate of tax and rate of tax in the foreign country, the foreign tax rate has to be calculated separately for each country. Aayega past year questions. क्वेश्चन वन देखिएगा पेज 144। ए अ रेजिडेंट इंडियन 28 इयर्स हैज डिराइव्ड द फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर 21-22। प्रोफेशनल इनकम है 594, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इन कंट्री एक्स, ये शेयर तो एग्जेम्प्ट होता है? गलत, वो तो इंडियन फर्म से शेयर एग्जेम्प्ट होता है, बाहर की फर्म से आएगा वो तो टैक्सेबल होगा। कंट्री एक्स में पार्टनरशिप फर्म से शेयर आ रहा है उसे 40,000, और वहां उसने टैक्स पे किया कितना? 8,000 रुपीज, यानी 20% टैक्स पे किया है। कमीशन इनकम फ्रॉम अ कंसर्न इन कंट्री वाई, कंट्री वाई में टैक्स पे किया 5%, 30,000 की इनकम आ रही है। इंटरेस्ट ऑन शेड्यूल बैंक्स ऑन FDRs 80, TTB होता क्या होता है? वो तो सेविंग्स बैंक मिलता है या नहीं मिलेगा? वो तो सीनियर सिटीजन को मिलता है FDR पे। तो आपसे कहा था ना जब चैप्टर 6 से कर रहे थे ATC वगैरह कि फॉरेन टैक्सेशन में टेस्टिंग करते हैं उसकी। तो देखिए इंडियन इनकम हो गई 594 प्लस 58 कितना हुआ? 602, 652। फॉरेन इनकम कितनी है? 70। 722 की इनकम आ गई, इस पर टैक्स निकालेंगे 56,900, सेस ऐड कर देंगे, ये हो गया। आगे मत देखिएगा, डबल टैक्सेशन रिलीफ प्रोवाइड करिए। इसमें लिखा है कि DTA नहीं है कंट्री एक्स वाई के साथ। आप देखिए इंडियन रेट ऑफ टैक्स क्या हो गया? 59,176 डिवाइडेड बाय 722 इंटू 100, दैट कम्स टू 8.196। रिलीफ कैसे देंगे? कंट्री एक्स से कितनी इनकम आई है? 40,000 डबली टैक्स हुई है, इस पर देंगे एट 8.196 और विच एवर इज लोअर। अभी जो बॉम्बे हाईकोर्ट जजमेंट किया आपने, हर कंट्री का अलग से करते हैं, ये वाला हो जाएगा रिलीफ। और जो दूसरी इनकम कितनी है? 30,000, उस पर इंडियन टैक्स रेट 8.196, फॉरेन टैक्स रेट 5%, ये रिलीफ देंगे। देखिए हमने इस इनकम पर रिलीफ दिया एट द रेट ऑफ 8.196,
और 30,000 रिलीव दी एट द रेट ऑफ 5%. टोटल लिफ्ट हो गया 1500 प्लस 3 × 7 = 8, 4778. ये टैक्स में से कम कर देंगे. क्लियर है? आइएगा, पेज 151, नंदिता. जब मैं आपको एटीसी वगैरह करा रहा था ना, मैंने नंदिता का नाम लिया था. कहा था इंटरनेशनल टैक्स में करेंगे केस, नंदिता होगी. कहा था कल्पेश का केस आएगा एक, ये नंदिता वाला केस है. घबराई मत. एक बार आपने मेरे साथ कर लिया ना, गारंटी है 30/30 है, 29 नहीं आ सकते. ठीक. नंदिता, इंडिविजुअल रेजिडेंट, रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ प्रसार भारती, एजेड 60 इयर्स. बहुत ध्यान से, बड़े कंसेप्ट मिक्स करेगा एग्जामिनर. रेजिडेंट है, 60 साल की है. स्लैब का चक्कर आ गया. इज अ वेल नोन ड्रामेटिस्ट डिराइविंग इनकम ऑफ 1,10,000 फ्रॉम थिएट्रिकल वर्क्स प्लेड अब्रॉड. सो बाहर थिएटर्स में परफॉर्म करती है, वहां से 1,10,000 मिल रहा है. बाहर की कंट्री में टैक्स कितना कट गया उसका? 11,000. इंडिया डज नॉट हैव अ डीटीए. हर इनकम्स इन इंडिया रुपीज 615. एक मिनट लिखते जाते हैं, आंसर मत देखिएगा, आंसर मत देखिएगा. फॉरेन इनकम कितनी है? 110. इंडियन इनकम 70,000 पीपी में जमा कर देती है. एंड पेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड ऑफ LIC 28,000. 80C में आ जाएगा ये. ATC में दोनों आते हैं ना. शी कॉन्ट्रीब्यूटेड 18,000 टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. सो 18,000 उसने किस में दिया है? हेल्थ स्कीम. 80D मिल जाएगा उस पर. CGHS स्कीम. और क्या किया है? गिव पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस 50,000 टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज फादर अ नॉन रेजिडेंट एजेड 76 इयर्स. 80D पूछ रहे हैं आपसे. तो देखिए कितनी क्लेवरली एग्जामिनर सब कुछ टेस्ट कर रहा है आपको. सो फादर के लिए कितना दिया उसने? 50,000. तो याद करिए, अगर आपके सीनियर पेरेंट्स हैं तो 50,000 मिल जाता आपको ना. बट रेजिडेंट होने चाहिए फादर मदर. अगर नॉन रेजिडेंट है तो 25,000 मिलता है. कहां लिखा डिपेंडेंट नहीं है? वहां डिपेंडेंट पेरेंट्स लिखा होता है ना. वहां डिपेंडेंट पेरेंट्स नहीं लिखा होता.
तो देखिए इंटरनेशनल टैक्सेशन में 80D से तंग कर रहे हैं आपको, तभी मैंने 80C 80D वगैरह कराए थे ये, और 80D में देखिएगा मैंने ये बातें क्यों हैं आपके साथ, वहां देखिएगा मैंने हाईलाइट वगैरह कराए हुए हैं आपको। तो फादर के लिए कितना मिलेगा उसको 25,000। सो 80C मिल गया कितना 98, 80D मिल गया 18 + 25 = 43, कितनी इनकम आ गई है 5,84,000। उस पर टैक्स बनता है 27,872। टिकट कैसे निकाला टैक्स ये? पहले 2.5 लाख पर नील, तीन लाख तक नील, अगले 20,000 पर 5%, 84,000 पे 20% और दुनी 16, इसमें 4% सेस ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है सेस 10। सो 27,872 आ गया। आप देखिए आपसे हर चीज पूछ रहे हैं, टैक्स का स्लैब भी पूछ लिया, 80D पूछ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक देखिएगा मत प्लीज। बाहर की कंट्री में अच्छा एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या हो गया 27,872 डिवाइडेड बाय 584 इंटू 100 4.7726 आ गया। बाहर की कंट्री में कितना टैक्स पे किया उसने, नहीं कितना रेट हो गया 11,000 डिवाइड बाय 1,10,000 इंटू 100 10% हो गया। रिलीफ कितने परसेंट मिलेगा आपको, विच एवर इज लोअर, वॉट इज द डबली टैक्स्ड इनकम। आंसर नहीं देखेंगे आप, इशू क्या है ये डिडक्शन किसमें से मानेंगे हम, लॉ कहीं मना नहीं करता, मैं तो इसमें से मानूंगा ये, लॉ कहीं ये नहीं कहता कि ये डिडक्शन से फॉरेन इनकम से मिलेंगी, मैं तो इंडियन इनकम से कहता हूं ले रहा हूं मैं ये, एंड देयरफॉर माय डबली टैक्स इनकम इज 110, रिलीफ वुड बी 110 इनटू ये परसेंटेज। आंसर चेक करिए, ठीक। क्वेश्चन 15, पेज 153, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। मिस्टर कामेश इंडिविजुअल Resident in India furnishes with the following purpose of income. Earn in India, country X, country Y, for previous year 2021. India ka in do countries ke sath DTA
नहीं है. इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया उसकी इंडियन इनकम निकालते हैं पीजीबीपी. पहला क्या है? प्रोफेशन इन इंडिया 7,50,000 एग्रीकल्चरल इनकम इन कंट्री एक्स एग्जेम्प्ट होती है तो वो तो इंडियन इनकम इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है. इसे अदर सोर्स में ले जाते हैं. कंट्री एक्स कितनी है? डिविडेंड इनकम फ्रॉम कंपनी वाई इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री वाई किस हेड में लो? डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज टैक्स प्लस अदर सोर्सेस. डिविडेंड है कंट्री वाई से कितनी? गलती जरूर करिएगा, उससे ही सीखेंगे. रॉयल्टी इनकम फ्रॉम लिटरेरी बुक्स फ्रॉम कंट्री एक्स कितना है? 6 lakhs. इसको पीज में भी ले सकते हैं आप, अदर सोर्स में भी ले सकते हैं. कंट्री दोनों ऑप्शन पॉसिबल है. अभी देख लेते हैं दोनों ऑप्शन पॉसिबल है. ओके. एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अर्निंग द रॉयल्टी इनकम अलाउ हो जाएंगे या नहीं? एक मिनट, हम तो इंडिया में बैठ के इनकम निकाल रहे हैं. रेजिडेंट है तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, तो जो इनकम को कमाने के लिए खर्च किया वो तो अलाउ होगा. होगा ये हो जाएगा देयरफॉर 5 lakh. बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई 65,000. नोट. बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई is not eligible for set off against other incomes as per law in that country. Country Y का law इस loss को allow नहीं करता है, but India तो हम allow करेंगे. Business loss है तो यहां loss set off हो जाएगा. आगे पढ़िए. रेंट फ्रॉम हाउस सिचुएटेड इन कंट्री वाई ग्रॉस 240. हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंट्री एक मिनट आगे पढ़िए. म्युनिसिपल टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव हाउस नॉट अलाउज अ डिडक्शन इन कंट्री वाई. हम एज्यूम करेंगे पे कर दिया है. म्युनिसिपल टैक्स अलाउ हो जाएगा 10. 230 इसका 30% एडहॉक कम करेंगे 69,000. तो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया कितना?
1 लाख, पीएचपी इनकम कितना हो गया 685, अदर सोर्स इनकम कितना हो गया 750, कोई पीपीएफ अगर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना, सो टोटल इनकम हो गई मेरी 15 लाख हो गई, कुछ 15 चैप्टर 6 से मिलेगा या नहीं रॉयल्टी पर 80 QQ भी मिल जाएगा, वेक आपको दिक्कत हो रही है बताइए, कुछ इशू होता चंद्रन आपको, इस पे टैक्स निकालेंगे आप, सो 2,09,000 सेस एड करके 352 एवरेज रेट ऑफ टैक्स हो गया मेरा 209,352 डिवाइडेड बाय 1296 इंटू 100 16. अब गलती करने का मौका आया, कंट्री एक्स में टैक्स रेट क्या है 10%, मेरा क्या निकला 16.1537, किस रेट पर रिपीट देंगे आप 10% कंट्री एक्स, कितनी कम ये यहां एक्सपेंस कम हो गए थे, इसमें से मेरा 3 लाख गया है, ढाई लाख ये टैक्सेबल हुआ, 50 ये टैक्सेबल हुआ, 3 लाख इज द डबली टैक्स इनकम इन कंट्री एक्स ऑफ कंट्री एक्स, सो 3 लाख कंट्री एक्स की डबली टैक्स इनकम है मेरी, उस पर रिबेट दूंगा एट द रेट ऑफ 10%, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये, अभी पीछे हो गया मुझसे, ओके, सो 3 लाख इज द डबली टैक्स इनकम ऑफ कंट्री एक्स, उस पर रिबेट देंगे हम 16.1537 और 10% देंगे, 30,000 रिबेट आ गई कंट्री वाई, आराम से करिएगा, एक तो डिविडेंड इनकम है 1.5 लाख की, का रेंटल इनकम है
बट टैक्सेबल तो कितनी हो रही है मेरी 161 ना, ये हो गया 10,000। ये कह रहे 10,000 कंट्री, वाई अलाउबल नहीं है? हम तो इंडिया में देखिए कितनी कमाई, गलती की ना आपने, यही पॉइंट है जहां मैं वही कह रहा हूं, गलती करिए ताकि एग्जाम में गलती करने का स्कोप ना रहे। जस ने देखी क्या गलती की, जस ने ये 10,000 कम नहीं किए, कह रहे हैं ये कि बाहर सेटअप नहीं हो सकता ये, ठीक है कोई बात नहीं, बाहर मान लीजिए पूरा 240 टैक्स हो गया, बाहर पूरा 240 टैक्स हो गया कोई बात नहीं, बट इंडिया में तो इसमें से 240 में से 10 तो म्युनिसिपल टैक्स गए, 69 की एडहॉक गई, 161 टैक्सेबल हुआ, तो इस 240 चाहे बाहर पूरा 240 टैक्स हो गया बट इंडिया में तो 161 ही टैक्स हुआ ना, डब्ल्यू टैक्स 161। तो एक तो मेरी है डिविडेंड इनकम 1.5 लाख, दूसरी है हाउस प्रॉपर्टी इनकम 161, बिजनेस लॉस ऑफ कंट्री, वाई बाहर अलाउ नहीं होता आपको, सोच लीजिए। जब मैंने पहली बार इस पेपर को सॉल्व किया मैं गलती कर गया था, आफ्टर 27 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एट दैट टाइम व्हेन दिस क्वेश्चन केम, मैं भी गलती कर गया था, तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बिजनेस लॉस कितना है बाहर की कंट्री में, 65,000। वो लेस करेंगे या नहीं, क्यों लेस करेंगे, उसका बेनिफिट मैं इंडिया में ले गया हूं, यानी ये जो फॉरेन इनकम है, जो फॉरेन लॉस है इस कंट्री का, मैं उसका बेनिफिट ले चुका हूं, एंड देयरफॉर वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, देयरफॉर डब्ली टैक्स इनकम इज 2,311 माइनस 65 246। तभी मैंने होमवर्क नहीं दिया आपको ये वाला, तभी मैंने होमवर्क नहीं दिया ये वाला आपको, क्योंकि होमवर्क करते हैं तो कॉन्फिडेंस आपको पूरा टूट जाता, हर स्टेप पे गलती करते। फॉरेन कंट्री में टैक्स रेट क्या है, 25%। इंडिया में कितना निकाला मैंने, 16.1537। तो आप 246 पर रिलीफ देंगे एट द रेट ऑफ 16.1537, नितेश देखिएगा आंसर, ठीक है सर। अगर बिजनेस इनकम होती कंट्री वाई से, अगर बिजनेस इनकम, अगर कंट्री वाई में बिजनेस इनकम होती तो भी आंसर सेम रहता, वहां लॉस सेट ऑफ नहीं किया बट मैंने इंडिया में तो ले लिया लॉस वाला, तो भी लेस करते हम। अगर बाहर की कंट्री भी बेला, एक मिनट थोड़ा हिल रहे आप लोग, हम क्या कर रहे हैं, जो बाहर इनकम टैक्स हुई है उसमें से कुछ पोर्शन अगर इंडिया में भी टैक्स हो गया है उस पर रिलीफ दे रहे हैं,
सपोज म्यूनिसिपल टैक्सेस बाहर भी टैक्स होते तो बाहर की इनकम 230 होती, बट इंडिया में अभी भी 161 टैक्स हो रहा है, तो डबली टैक्सिंग 161 हुई ना। बाहर अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस अलाउ होते भी तो कर देते हैं, 230 की बाहर इनकम होती, उस 230 में से इंडिया में 161 टैक्स हो रहा है, डबली टैक्सिंग में 161। मकअप मत करिए कंसेप्ट को, कंसेप्ट क्या है, जो इनकम बाहर टैक्स हुई हम उससे मतलब नहीं है, उसमें से अब कितनी इनकम इंडियन इनकम टैक्स इंडियन टैक्सेबल इनकम में आ रही है उस पर रिलीफ देंगे हम। ये समझ में आया? एक एक मिनट रुकिए 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 रुकिए, छोड़िए इसे, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। मुझे कंट्री वाई में रेंट मिला 10 लाख, वहां मुझे म्यूनिसिपल टैक्स अलाउ हो गया 1 लाख, 9 लाख पे मुझे वहां टैक्स लग गया, 9 लाख पे मुझे वहां टैक्स लग गया। अब इंडिया में ये 10 लाख है मेरा, म्यूनिसिपल टैक्स यहां भी कम हो जाएगा मेरा, 9 लाख का 30% कितना हुआ 927, 270 मेरा एडॉक कम हो जाएगा, 630 आया। अब डबली टैक्स इनकम क्या है मेरी, 630 है ना, बाहर क्या हुआ मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा उसमें तो ये भरूंगा ना, उसमें से 9 में से 630 टैक्स हो रहा है, देयरफॉर डबली टैक्स इनकम में 630। हां जब आप बाहर एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालेंगे वहां इनकम ये लेंगे, फॉरेन टैक्स डिवाइड बाय 9 लाख, क्लियर? कोई भी डाउट हो प्लीज आगे मत बढ़िएगा, आप देख रहे हैं मैं पहली बार पूरे कोर्स में पास्ट या क्वेश्चंस करवा रहा हूं। एक मिनट रुकिए, सब कुछ कर लेते हैं, ये क्लियर हो गया। मुझे बाहर रेंट मिला 10 लाख, मान लीजिए बाहर के लॉस कहते हैं कि 40% एडहॉक डिडक्शन मिलेगी, ये क्वेश्चन कौन करेगा बताइए, मैं नहीं करूंगा, जश्न आप करो। रुक जाइए, केन्या कंट्री है हमारा, डीटी नहीं है, मुझे वहां पर रेंट मिला 10 लाख, केन्या का लॉ कहता है रेंट में से 40% इज द एडहॉक डिडक्शन, और केन्या में मैंने टैक्स दे दिया 60,000 रुपीज, म्यूनिसिपल टैक्स कोई भी नहीं। जश्न आप बताओ इंडियन इनकम टैक्स में मैं क्या इंक्लूड करूं, इंडिया में रिटर्न बनाऊंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 10 लाख माइनस 4 लाख, इंडियन लॉ से 30% डिडक्शन देते हैं 3 लाख, 7 लाख मेरी अदर इनकम से मान लीजिए 5 लाख, टोटल इनकम 12 लाख हो गई, कौन करेगा इसे, 12 लाख पे टैक्स बनता है, 10 लाख पे 1,500, 2 लाख पे 2×3=60,000, 1,72,500,
प्लस 4% से एसेट करिए 179, तो ये टैक्स बन गया 179,400। एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या हुआ 179,400 डिवाइडेड बाय 12 लाख, कितना आ गया 9। मैं नहीं करूंगा, आप ही करिए। और फ्रेंकली एग्जाम में कभी ऐसा नहीं आया, इट्स अ गुड कंसेप्ट यू रेस्ड। बाहर रेट ऑफ टैक्स क्या है 10%, इंडिया में कितना है 14.9%, किस रेट पे रिलीफ देंगे 10%, डबली टैक्स इनकम। व्हाट इज डबली टैक्स इनकम 6 लाख, खत्म बात। तो 6 लाख पर 10% 60,000 इज द रिबेट रिलीफ ऑन 91। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो आगे मत बढ़िएगा। आप देख रहे हैं इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। सर कोई इनकम अर्न करने के लिए मुझे बाहर उस इनकम पे इंडिया में किसी तरह अलाउ नहीं होता, और बाहर मैंने इनकम अर्न की है उस पे कोई एक्सपेंस मैंने किया है वो अलाउ हो जाएगा? एक मिनट दोबारा बोलिए। इंडिया में कोई ऐसी इनकम है उसको कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होता? इनकम कहां अर्न किया आपने? बाहर आपने लॉटरी इनकम अर्न की 10 लाख रुपए। बाहर के लॉस कहते हैं, चलिए बोलिए, आपने बाहर एक्सपेंस इनकर किए, और बाहर के लॉज 1,26,000 टैक्स लगा देते हैं आपको, 20% टैक्स रेट हो गया। इंडिया में मेरी 5 लाख की बिजनेस इनकम भी है, मुझे नहीं मालूम आप बताएंगे, मुझे नहीं मालूम आप बताएंगे अब आप। इंडिया में 10 लाख की एक इनकम इंक्लूड करेंगे, एक्सपेंस अलाउ नहीं होंगे इंडिया में। मैंने बिजनेस इनकम कितनी बोली थी 5 लाख, इंडिया में टैक्स लगेगा इस पे 30%, 5 लाख पर 12,500 पूरा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स 21.। बाहर टैक्स रेट क्या था 20%, रिलीफ किस रेट पे मिलेगा मुझे नहीं मालूम, 20% मिलेगा, किस पर रिलीफ दूं? किसे मिलेगा 750 का से निकल लिया 2.5 लाख, 2 स्लैब से फर्क थोड़ी पड़ता है, स्लैब कोई एक्सपेंस थोड़ी होता है, क्या बोल रहे हो आप यार, स्लैब इज नॉट एन एक्सपेंस। तभी मैं ये क्वेश्चंस कराए जा रहा हूं आपको, एक एक डाउट ले जा रहा हूं आपका, क्योंकि मुझे मालूम है बाद में ये डाउट्स तंग करेंगे आपको, अभी तंग हो लेते हैं, मैं अभी तंग हो लेता हूं आप भी हो लेते हैं, बट जब उठेंगे तो साउंड तरीके से उठेंगे। रिलीफ कैसे मिलेगा 630 में मिलेगा, कैसे भी घुमा लीजिए, कंसेप्ट क्लैरिटी है, हिला नहीं सकते आपको। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं।
पेज 167 मई 19 देखिए इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना कि इसको आप लॉन्ग टर्म लाइफ में रिलिज करेंगे कि वो कैप गेन्स में इंडेक्सेशन की वो किया तो वो कहाँ लाइफ में काम आएगा. इन द सेंस जब आप बिग कॉर्पोरेट्स में जाएंगे तो कौन पूछता है इंडेक्सेशन वगैरह. तो बेसिकली जब आप बिग फोर्स वगैरह में जाते हैं वहां इस तरह के इश्यूज आएंगे आपको. क्वेश्चन 29 कल्पेश 56 इयर्स रेजिडेंट इंडिया में इनकम अर्न करता है कंट्री टी में इनकम अर्न करता है इंडिया का डीटीए नहीं है. काफी हद तक सेम क्वेश्चन नहीं है छोड़ दो उसे कर लेंगे. आप देख रहे ना किस तरह रेपिटेशन हो रही है क्वेश्चंस की. हाँ ये अच्छा है. क्वेश्चन थर्टी हिल जाएंगे मतलब थोड़ा सा परेशानी होगी. तो मैं आज के लिए आपको होमवर्क नहीं दे रहा. रिक्वेस्ट है आपसे जो हमने चैप्टर 2 और 3 किया था उसको कंप्लीट करिए प्लीज. देखिए अभी तक आप कोर्स में सीरियस नहीं थे कोई बात नहीं ये 30 मार्क्स में तो सीरियस हो जाइए. अभी 2 ही लेक्चर निकले हैं आज तीसरा लेक्चर है. मिस्टर एस परफॉर्मिंग म्यूजिशियन है रेजिडेंट ऑफ इंडिया है. ही हैज द फॉलोइंग इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. इनकम फ्रॉम म्यूजिक परफॉर्मेंस इन इंडिया 5 लाख. इनकम फ्रॉम कंट्री ए विद विच इंडिया डज नॉट हैव द डीटीए कितनी है 5 लाख. टैक्स डिडक्ट हुआ था इस इनकम पर 20% पर. इनकम फ्रॉम कंट्री बी कोई मिसप्रिंट नहीं है. कोई मिसप्रिंट नहीं है. बाहर की कंट्री में 31st December ईयर एंड होता है. इस वाली कंट्री में ईयर एंड 31st December होता है. 1 जनवरी से 31st December क्या है इसमें. कंट्री बी से आई जनवरी 20 में 1 लाख जुलाई 20 में 1 लाख जनवरी 21 में 3 लाख और कंट्री बी ने 10% टैक्स रोक लिया. कंट्री बी फॉलोस कैलेंडर ईयर. व्हाट इज कैलेंडर ईयर 31st December. फॉर टैक्स पर्पजेस India has entered into DTA with country B. DTA है. Rent received from his property in Chennai is 30,000 per month. गुड क्वेश्चन. चलिए ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है. वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होंगी. रेजिडेंट है. कंट्री ए से कितनी इनकम आ रही है ये भी टैक्सेबल है 10 लाख. कंट्री बी
ये तो देखिए, ये तो आपने पिछले साल में इंक्लूड की होगी अपनी। आपको जब जनवरी 20 में इनकम मिली होगी वो तो आपने 31 मार्च 20 में इंक्लूड की होगी। ये और ये इस साल की इनकम हो गई 4 लाख, ठीक। और टैक्स आपका 10% विदहोल्ड कर लिया उन्होंने, $30,000 पर मंथ चेन्नई से रेंटल इनकम आ रही है 360। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपी है 1,50,000। किस में से दूंगा मैं ये? नहीं नहीं, जीटीआई में से दूंगा, बट डबली टैक्स इनकम निकालने के लिए लेस करूंगा या नहीं? नहीं करूंगा, मैं तो अदर इनकम से मानूंगा। तो देखिए, रेंटल इनकम में मेरी 360, 30% एडॉक्ट डिडक्शन मिल गया 52। म्यूजिक परफॉर्मेंस इन इंडिया 5 लाख, कंट्री ए से इनकम आ रही है क्या 5 लाख, कंट्री बी से आ रही है जुलाई और जनवरी की इनकम लेंगे 1.5 लाख कम कर देंगे, ये मेरी इनकम हो गई। टैक्स कैसे निकलेगा? पहले 2.5 लाख पर, मतलब 10 लाख पर 1,500 और 5,02,000 पर 30%, ये टैक्स निकलेगा 273,624। एवरेज रेट ऑफ टैक्स हो गया 273,624 डिवाइडेड बाय 15,02,000, 18.217। रिलीफ दीजिए 91 का। कंट्री ए से कितनी इनकम आई 5 लाख, इसमें से 1.5 लाख पीपीएफ का कम कर दूंगा, वो तो मेरी मर्जी, कहां से कम करूं, तो इंडियन इनकम से लूंगा। सो 5 लाख बाहर कितना टैक्स लगा 20%, यहां एवरेज रेट क्या है, सो 18.217 इंटू 5 लाख इज द रिलीफ। तो देखिए, डरिए मत, क्वेश्चन करने बैठिए। अगर कंसेप्ट क्लैरिटी है आपको कोई नहीं हिला सकता। देखा आपने, जब पढ़ते हैं डर लगता है, पर जब पेन लेके करने बैठेंगे और ये क्वेश्चंस पढ़ के नहीं करने, ये हाथ से करने, जितनी बार गलती करेंगे उतने कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे आपके। इसमें तो मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, कौन सी दूसरी इनकम कौन सी है, कंट्री बी कितनी है 4 लाख। 2 अजम्पशंस ले सकता हूं मैं, क्या एग्जम्पशन मेथड। अगर डीटीए कहता है ये इनकम यूएस में टैक्सेबल, इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो मैं कौन सा क्वेश्चन था ये, अच्छा, फिर तो मैं इस 4 लाख को इनकम में लेता ही नहीं। बट अगर डीटीए कहता है कि दोनों जगह टैक्सेबल है, तो टैक्स क्रेडिट रूल मिल जाएगा मुझे। सोर्स कंट्री कौन सी है, कंट्री बी, उसमें जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मिल जाएगा इंडिया में। फॉर कंट्री बी विद विच इंडिया हैज अ डीटीए, जो इनकम इंडिया में इंक्लूड होगी वो कितनी होगी 4 लाख। अब डीटीए में रिलीफ मिलेगा आपको टैक्स पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, वो एवरेज रेट टैक्स या टैक्स पेड इन द फॉरेन कंट्री व्हिच एवर इज लोअर।
there's a relief you get here. नहीं नहीं एक मिनट रुक गया, मैं बताता हूँ, एक मिनट. ये मैंने क्यों किया बताता हूँ. सेक्शन 91 से बाहर आ जाते हैं, सेक्शन 91 से बाहर आ जाते हैं. इधर देखिए, DTAA में एग्जेम्पशन मेथड होता है, सॉरी क्रेडिट मेथड, क्रेडिट मेथड. यूएसए में इनकम आई 10 लाख, यूएस में इस पर टैक्स लग गया सपोज 4 लाख. यही इनकम मैंने इंडिया में इंक्लूड की. मान लेते कंपनी का केस है, मान लेते कंपनी का केस है, डोमेस्टिक कंपनी. यही इनकम मैंने डोमेस्टिक कंपनी में इंक्लूड की और मान लीजिए कंपनी की कोई और इनकम नहीं है. टैक्स बन गया कितना, 30% लीजिए, 30% प्लस 4% 31.2, 10 लाख. ये सोर्स कंट्री है, ये मेरी कंट्री ऑफ रेजिडेंस है. इसका क्रेडिट यहां मिल जाएगा मुझे, मुझे तो रिफंड मिल गया. DTA कहते हैं कि कभी आपको रिफंड नहीं मिल सकता. टैक्स क्रेडिट मेथड से ना, इसे प्रैक्टिकल बोलते हैं टैक्स पेयरिंग. प्रैक्टिकली बोलते हैं टैक्स पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, यानी जो स्पेयर टैक्स है वापस से मिलता. सो टैक्स पेयरिंग इज नॉट देयर. तो जो आपको वहां क्रेडिट टैक्स पे किया आपने, उसका क्रेडिट मिलेगा आपको, बट उस एक्सटेंड तक मिलेगा जितनी जितना टैक्स बनता है इंडिया में ऑन दैट इनकम. तभी मैंने वो रिस्ट्रिक्शन का क्लॉज लगाया. कोई बात नहीं, अभी आपका तीसरा ही लेक्चर है फॉर टैक्सेशन का. ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए आपको. एक काम करिए, जो मैंने क्वेश्चंस कराए ना उनको दोबारा कर लीजिए, प्लस 3-4 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, दिख जाएंगे आपको. क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, वो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां ATC ATD है, वो सारे क्वेश्चंस कर लीजिए. सो आई थिंक यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. और आप देखेंगे हर ऑल्टरनेट एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ ही आ रहा है. जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, आपने फिल्म वो देखी हुई गदर, किस तरह मारकाट हुई थी, हिंदुस्तानी जो पाकिस्तान में थे छोड़ के भागे थे ट्रेन्स में, यहां पर आके बस गए. सुन लीजिए प्लीज, मैं ये कंसेप्ट 10 साल से करा रहा हूं, कोई सीरियस नहीं लेता था मुझे, बट एग्जामिनर ने सीरियस ले लिया मुझे. जब पार्टीशन हुआ 1947 में, हिंदुस्तानी जो वहां पर थे पाकिस्तान में, वो वापस आ गए थे यहां पर, छोड़ छाड़ के सब छोड़ के भाग गए थे जो बच गए थे. वहां पर उनकी एग्रीकल्चर लैंड्स रह गई थी जो आज भी उनके नाम है. उनसे एग्रीकल्चर इनकम आती है आज भी, और ये लोग वहीं भेजकर बेचकर पैसे मंगा लेते इंडिया में. हिंदुस्तानियों ने जो पाकिस्तान में जमीनें थी, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर जमीनें, वहां के फार्मर्स को दे दिए महीने के हिसाब से कि आप अनाज उगाइए, हमें पैसा भेजते रहिए यहां पर.
अब पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल होती है, इंडिया में भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल हो जाएगी वाली, क्योंकि इन इंडिया नहीं है, डबल टैक्स लग गया। और ये मैसिव स्केल पर हुआ है, मैसिव स्केल पर, ऐसा नहीं है एक दो केसेस थे, लैक्स ऑफ केसेस ऐसे, लैक्स। तो अब इन हिंदुस्तानियों को डबल टैक्स देना पड़ रहा है, एंड देयरफॉर इसके लिए अलग से रिलीफ बनाया गया जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और दो या तीन अटेम्प्ट पहले एग्जामिनर ने यह भी पूछ लिया। तो देखिए, मैं जो कोर्स की वाइड कवरेज करता हूं, हमारे नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ जाते हैं, बट रिस्क इज जीरो, रिस्क इज जीरो, क्योंकि आपने क्लास में कभी भी कुछ किया होगा ना, एग्जाम में हिट कर जाएगा, पर जब किया ही नहीं होगा तो क्या करेंगे। विल स्टॉप हियर।